वेलकम टू माई चैनल टेक टेकमेकैनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो वी एस एस सी तिरुवनंतपुरम टेक्नीसियन बी टन्नर पोस्ट का ऑफलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन 20 अगस्त 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कंडक्ट हो गया है एग्जाम कंडक्ट होने के बाद सभी स्टूडेंट को इसका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर दिया गया है और सभी का पास ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो स्टूडेंट एग्जाम नहीं दिया है वो सभी स्टूडेंट को भी इसका पेपर मिल जाएगा तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और मैं आज इस पेपर का लास्ट पार्ट का एनालिसिस करने वाला हूं सुबह मैं एक वीडियो अपलोड किया था पार्ट वन का वीडियो पार्ट वन का वीडियो में टोटल फोर्टी क्वेश्चन इस पेपर का मैं डिस्कशन किया और अभी मैं पार्ट टू का वीडियो बना रहा हूं और बाकी जो आपका चालीस क्वेश्चन है पार्ट टू का वीडियो में आज का इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा और सुबह का वीडियो जो मैं बनाया था डिजिटल बोर्ड पर बना के आप लोग को समझाया था उसका बाद मैं ऑफिस आ गया तो ऑफिस पर मैं अभी वीडियो आके बना रहा हूँ एक्चुअली मैं घर जाऊँगा एक दो दिन बाद तो इतना लेट करने का कोई फायदा नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर आपको उतना ही समझ में आ जाएगा जितना मैं डिजिटल बोर्ड पर आपको समझाता हूँ तो आप लोग क्लास को पूरा देखिए तभी आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का 100 परसेंट सोल्यूशन मिलेगा क्योंकि लास्ट जो 40 क्वेश्चन है इस पेपर का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बहुत सारा क्वेश्चन आपको इसमें से अनकॉमन भी मिलेगा ठीक है तो पूरा वीडियो देखिए और जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में हो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाला हर हाँ टेक्निकल जॉब का पल पल का अपडेट मिल जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल से और स्टडी वीडियोस मॉडल क्वेश्चन पेपर सब कुछ मेरा चैनल से आपको अपडेट मिलते रहेगा फोर्टी वन नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द जनरल रेशियो ऑफ सल्यूबल ऑयल एंड वाटर यूज एज कूलेंट इज शीतलक के रूप में प्रयुक्त घुलनशील तेल और पानी का सामान्य अनुपात है तो कूलेंट का हिसाब से जो सल्यूबल ऑयल और वाटर हम लोग यूज़ करते हैं इसमें इसका मिक्सर का रेशियो कितना होता है ये आपको पूछा जा रहा है तो सबसे पहले समझ लेते हैं कूलेंट कब यूज़ होता है देखो ये हमारा वक़ पीस है और ये हमारा टूल है तो जब हम लोग मैसेनिंग करते तो एक कटिंग टूल वर्क पीस का साथ कॉन्टैक्ट में आता है और इन दोनों का बीच में फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन इसमें ज़्यादा क्यों होता है क्योंकि वर्क पीस आपका घूमता है और कटिंग टूल आपका स्थिर रहता है तो जब किसी आ, दो कॉन्टैक्ट वाला पार्ट अगर एक पार्ट घूमता है और एक पार्ट स्थिर रहता है उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो फ्रिक्शन होने का कारण ये आपका टूल भी हीट होता है और वर्क पीस भी हीट होता है और चिप्स भी हीट होता है तो टूल और वर्कपीस दोनों को ठंडा करने के लिए हम लोग कूलेंट यूज़ करते हैं शीतलक यूज़ करते हैं ठीक है तो एक कूलेंट को हम लोग कटिंग फ्लूड कहते हैं तो ये यूज़ करने से टूल और कटिंग टूल और वर्कपीस दोनों ठंडा रहता है और इसका चिप्स भी अच्छा से फ्लो होता है तो और भी कुछ कार्य है इसका बारे में डिटेल में सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कूलेंट एक्चुअली क्या होता है और कहाँ कहाँ पे हम लोग एक्चुअली यूज़ करते हैं इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन का भी जो आपका डाउट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा सबसे पहले आप पढ़िए कटिंग फ्लूड एंड कंपाउंड आर द सब्सटेंस यूज फॉर एफिशेंट कटिंग वॉल कटिंग ऑपरेशन टेक प्लेस तो कटिंग फ्लूड को हम लोग कूलेंट कहते हैं और कब यूज़ होता है जब हम लोग किसी कटिंग ऑपरेशन करते हैं तो उसमें एफिशिएंट कटिंग होने के लिए मतलब एकदम स्मूथ कटिंग होने के लिए हम लोग कटिंग फ्लूड का इस्तेमाल करते हैं इसका क्या क्या कार्य होता है फंक्शन तो सबसे पहले देखिए इसका बहुत सारा कार्य होता है सबसे पहला होता है कूलेंट कूलेंट का नाम सुन के पता चल जाता है कि कूल cool करता है तो किसको कूल cool करता है सबसे पहले कटिंग टूल को कूल cool करता है उसका बाद पिस को भी कूल cool करता है तो टू कूल द टूल एज वेल एज द वर्क पीस ओके सेकेंड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द चिप एंड द टूल फेज बाई लुबड़ी इसमें देखो ये आपका वर्क पीस है ये आपका टूल फेस है इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है हम लोग जब भी कुलेंट यूज करते हैं उसमें फ्रिक्शन भी कम हो जाता है तो घर्षण इसमें कम होता है तीसरा टू प्रिवेंट द चिप फ्रॉम गेटिंग वेल्डेड टू द कटिंग एज तो कभी कभी क्या होता है जो आपका वर्क पीस है और ये आपका कटिंग टूल है इसमें से ये पार्ट आपका घूम रहा है वाकिस घूम रहा है कटिंग टूल आपका स्थिर है तो जब बहुत ज़्यादा हीट होता है हीट होने का टाइम ये जो आपका चिप्स निकालता है और आप सोचिए ये आपका मेटेरियल सॉफ्ट एंड डक्टाइल मेटेरियल है सॉफ्ट एंड डकटाइल मेटेरियल है सॉफ्ट एंड डकटाइल मेटेरियल में कैसा चिप्स निकलेगा इसमें कंटिन्यूस चिप्स निकालता है तो कंटिन्यूस जब आपका चिप्स निकालता है तो निकालने का टाइम क्या होगा इसमें आप अगर लुब्रिकेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा हीट ज़्यादा होगा तो ये आपका कंटिन्यूस चिप्स निकालते हुए जाएगा और उसमें से कुछ चिप्स का पोर्शन वो भी गर्म होता है और कटिंग टूल भी गर्म होता है तो गर्म गर्म अवस्था में जब चिप्स रहेगा तो उस कटिंग टूल का फेस में भी बैठ जाता है एकदम वेड का तरफ उसमें जुड़ जाता है ठीक है तो इसको हम लोग एक्चुअली कहते हैं कंटिन्यूसर चिप्स विथ बिल्टअअप एज तो इसमें जो कटिंग टूल का फेस होता है उसको खराब कर देता है कटिंग टूल का फेस में चिप्स इसमें वेल्ड का तरह बैठ जाता है ठीक है तो जब आप कूलेंट यूज़ करते हैं तो आपका चिप्स भी ठंडा होता है कटिंग टूल भी ठंडा होता है तो इसमें आपका वेल्डिंग होने का कोई चांस नहीं रहता है तो कटिंग टूल का फेस में मेटल भी या कटिंग जो आपका ऑलरेडी मेटल कटा हुआ जो मेटल चिप्स है वो भी आपका कटिंग टूल का फेस में नहीं वेल्ड होगा ओके okay, तो ये आपका एक फ़ायदा होता है टू फ्लैश एवरेज चिप्स जो भी आपका मेटल चिप्स होता है वो अच्छा से फ्लैश होकर निकल पाता है क्योंकि आप कूलेंट यूज़ कर रहे हैं वो ठंडा है तो ईजिली वो निकल पा, पाएगा और लास्ट फंक्शन है टू प्रिवेंट क्रोजन ऑफ द वर्क एंड द मशीन तो वर्क और मशीन का क्रोजन मतलब जंग लगने से आप करने के लिए हम लोग कूलेंट या कटिंग फ्लूड यूज करते हैं तो ये सब इसका होता है कार्य किस किस के लिए हम लोग कूलेंट का यूज करते हैं ओके okay? तो क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है एक ऐसा कूलेंट है जिसमें हम लोग सोल्यूबल वेट सोल्युबल ऑयल और वाटर एक साथ मिलाते हैं जिसमें रेशियो तो वन इज टू ट्वेंटी मतलब बीस लीटर अगर वाटर रहता है तो उसमें वन लीटर क्या होगा आपका सोल्यूबल ऑयल रहेगा या आप बोल सकते हैं 20 यूनिट अगर पानी रहता है तो वन यूनिट इसमें सोल्यूबल ऑयल रहता है और इसको मिक्सर बनाते हैं और इसका कलर मिल्की कलर होता है मतलब वाइट कलर का होता है और इसको हम लोग सोल्यूबल ऑयल कहते हैं तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कॉपर का जब मशीनिंग करते हैं तब सो सोल्यूबल ऑय ऑयल यूज़ करते हैं इसका बाद जब आप माइल स्टील का मशीनिंग करते हैं तब आप लोग सोल्यूबल ऑयल यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है माइल्ड स्टील का जब भी मशीनिंग करते हैं चाहे ड्रिलिंग रिमिंग जो भी पूछा जाए तो कौन सा हम लोग कूलेंट यूज़ करते हैं तो हम लोग ऑलवेज यूज़ करते हैं सोल्यूबल ऑयल और जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जब आपको कास्ट आयरन का मैसिनिंग करना है तो कौन सा कूलेंट यूज़ करना है तब आपका राइट आंसर हो जाएगा ड्राई एयर ओके ऐसे अगर आपको पूछा जाता है कि जब आपको एल्यूमिनियम जॉब का मैसिनिंग करना है तो कौन सा कूलेंट यूज होगा तो तब आपको बोलना है केरोसिन ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं ओके तो कूलेंट में सोल्यूबल ऑयल और वाटर के रेशियो होता है वन इज टू ट्वेंटी इतना आपको समझ में आ गया है तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फोर्टी टू नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन दैट टैप वाटर इज नॉट प्रेफर्ड एज कूलेंट ऑन द मशीन टूल निम्नोलिखित में से कौन सा कारण है कि मशीन टूल पर शीतलक के रूप में नल के पानी प्राथमिकता नहीं दी जाती है मतलब देखो हम लोग तो डायरेक्ट वाटर भी यूज़ कर सकते हैं टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट तो हम लोग टैप का वाटर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम लोग क्यों यूज नहीं करते है? हम लोग उस वाटर का साथ क्यों सोल्यूबल ऑयल यूज़ करते हैं तो सोल्यूबल ऑयल यूज करते हैं तो है। इसका पीछे कारण होता है ये आप बोल सकते हैं टैप वाटर डायरेक्टली यूज़ ना करने का पीछे एक कारण होता है क्योंकि टैप वाटर अगर हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो उसमें जंग लगने का चांसेस होता है मतलब जंग लगने का खतरा होता है इसीलिए हम लोग डायरेक्ट टैप वाटर का यूज़ नहीं करते हैं टैप वाटर वो आपका है उसमें आप सोल्यूबेल ऑयल मिक्स कर दीजिए वन टू ट्वेंटी रेसियो में और जो आपका कूलेंट बनेगा इसका जब आप यूज़ करेंगे मशीनिंग करते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है तब कोडोसन लगने का कोई चांसेस नहीं है लेकिन डायरेक्ट अगर आप लोग नल के पानी मतलब टैप वाटर यूज़ करते हैं या जो भी आपका ट्यूबवेल का पानी अगर डायरेक्ट यूज़ करते हो तो उसमें आपका मैसीनरी पार्ट में जंग लगने का चांसेस होता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष माप ऑजर है इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल मतलब जो मेजरिंग टूल डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं तो ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा देखो यूनिवर्सल बीवेल प्रोटेक्टर जो है ये यूनिवर्सल बिवेल प्रोटेक्टर वन डिग्री की एक्यूरेसी में जॉब को मेजरमेंट कर सकते हैं जैसे इनसाइड माइक्रोमीटर जीरो पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर का एक्यूरेसी में जॉब का मेज़रमेंट कर सकते वन ईयर कैलिपर जीरो पॉइंट जीरो टू मिलीमीटर का एक्यूरेसी में जॉब का डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते लेकिन जो इनसाइड कैलिपर होता है आउटसाइड कैलिपर होता है इससे आप डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं ठीक है थीके? तो इसका मेजरमेंट लेने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है इनसाइड कैलीपर से जो भी आपका मेजरमेंट होगा उसको लेके जाना है स्टील डूल में स्टील डूल, स्टील डूल में जाके आपको देख लेना है इसका माप कितना हुआ है मेजरमेंट कितना हुआ है मतलब ये डायरेक्टली आपको रीडिंग प्रदान नहीं करता है इसको इसका रीडिंग को निकालने के लिए आपको और एक माध्यम का जरूरत होता है और एक डिवाइस का जरूरत होता है जो आपका स्टील डूल होता है इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इनसाइड कैलिपर या ऑप्शन में अगर आउटसाइड कैलिपर लिएपर रहता है तब भी राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों आपका इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है और ये दोनों बनता है किस मेटेर से ये दोनों बनता है माइल्ड स्टील से ओके इनसाइड कैलिपर इंटरनल मेजरमेंट के लिए यूज होता है और जो आपका आउटसाइड कैलिपर है वो एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए यूज होता है ओके okay? तो अभी फोर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन कंप्लीट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वेट फोर्टी फोर नंबर क्वेश्चन सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स आर मेड बाय हु ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस सीमेंटेड कार्बाइड औजार किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है फोर्जिंग कास्टिंग पाउडर मेटोलॉजी ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एब तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पाउडर मेटोलॉजी द्वारा बनाई जाते हैं ठीक है तो अभी इससे रिलेटेड भी आपको जानना चाहिए क्योंकि आ, पार्ट वन में मैं आपको सिरामिक का डिटेल बताया हूँ अभी सीमेंटेड कार्बाइड आप जान लेते हैं तो आपको सिरामिक और सीमेंटेड कार्बाइड जो दो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कटिंग टूल मेटेरियल होता है तो इसका बारे में आपको आइडिया मिल जाएगा देखिए सबसे पहले कार्बाइड दिस मेटेरियल्स आर ऑल्सो नॉन फेरस तो ये नॉन फेरस कटिंग टूल मेटीरियल है ठीक है दे आर मैन्युफैक्चर बाई पाउडर मेटालोजी टेक्निक इसको पाउडर मेटालोजी टेक्निक द्वारा बनाया जाता है कार्बन और टांगस्टेन इसमें चीप एलोइंग एलिमेंट होता है मतलब मुख्य एलोइंग एलिमेंट क्या रहता है कार्बन और टंगस्टन सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें रहता है और भी है अब देखिए सीमेंटेड कार्बाइड इट इज ए कंपाउंडेड ऑफ कार्बन कोबाल्ट टंगस्टन टाइटेनियम टेंटलम और नियोबियम तो ये किस किस चीज़ का एलोई से बनता है कार्बन और टंगस्टन तो मेन होता है उसका साथ कोबाल्ट टाइटेनियम टेंटलम और नियोबियम से मिलके बनता है इट इज़ द हार्डेस्ट कटिंग टूल मेटेयल नॉर्मल यूज मतलब जो हम लोग साधारणतः यूज़ करते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है लेकिन सबसे अगर हार्ड का बात करते हैं तो वो आपका जो पार्ट वन में मैं आपको बताया कि सीरामिक होता है ठीक है सीरामिक कटिंग टूल मेटेरियल है मैं डायमंड इसमें नहीं बोल बोल रहा हूँ डायमंड तो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है डायमंड एकदम हार्डेस्ट कटिंग टूल मेटेरियल होता है तो सीमेंटेड कार्बाइड से भी अगर एफिशिएंट होता है सीमेंटेड कार्बाइड से भी अगर हार्डेस्ट कटिंग मटेरियल होता है तो आपका सीरामिक हो जाता है इट इज़ कैपेबल ऑफ विथ स्टैंडिंग टेम्परेचर इवेंट अबव थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने आप लोगों को बताया था सीरामिक कटिंग टूल मटेरियल 1200 डिग्री टेम्परेचर में भी काम कर सकते हैं एफ़िशेंटली मतलब बारह डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को भी वो सहन कर सकते हैं और इसमें देखिए सीमेंटेड कार्बाइड के लिए बोला है थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड एबव टेम्परेचर का मतलब हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड के अबव टेम्परेचर में भी एफिशिएंटली काम कर सकते हैं सीमेंटेड कार्बाइड मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर किससे कम हो रहा है सिरामिक टूल से थोड़ा सा इसका टेम्परेचर का वैल्यू कम हो रहा है मतलब सीरामिक टूल इससे और भी बेहतर होता है सीरामिक टूल को और भी ज़्यादा टेम्परेचर तक मैं उसको काम में का काम में यूज कर सकता हूँ इसका बात देखिए सेवारल ग्रेड ऑफ सीमेंटेड कारबाई टूल आर अवेलेबल तो cement, uh, several, uh, मतलब uh, कहीं ग्रेड uh, का सीमेंटेड कार्बाइड टूल अवेलेबल होता है ईच वन ऑफ हुई स्विट ए पर्टिकुलर मेटेरियल मतलब जिसमें आपको जैसा चाहिए वो आपको यूज़ करना है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सिलेक्ट द करेक्ट ग्रेड ऑफ टूल फॉर द मेटेरियल टू बी टर्न मतलब जिस मेटेरियल का जिस धातु का आप टर्निंग करने जा रहे हैं उसका मुताबिक आपको सीमेंटेड कार्बाइड टूल का मेटेरियल या ग्रेड आपको सिलेक्ट करना है इफ़ नॉट एन इंफेरियर सरफेस टेक्चर में रिजल्ट देखिए द टूल्स आर आइदर टीप्ड विथ सीमेंटेड कार्बाइड तो इसमें क्या होता है आपका सीमेंटेड कार्बाइड का टिप अवेलेबल होता है जो आपका आ, कार्बन स्टील सेंक से आप सेंक में आप ब्रेजिंग करके उसका आ, टिप पोर्शन को आप ब्रेजिंग करके लगा सकते हैं दो सोचो ये आपका कार्बन स्टील सैंक है और ये आपका सिर्फ टिप पोर्शन है ये टिप पोर्शन को आप कार्बन स्टील सैंक में ब्रेजिंग करके जोड़ देते हैं मतलब सीमेंटेड कार्बाइड ये आपका टिप टिप फॉर्म में अवेलेबल होता है देखिए इसका बाद बोला है स्टील सैंक और द टिप में भी ऑफ द थ्रो अवे टाइप और ये आपका टिप थ्रो away टाइप भी हो सकता है मतलब ये आपका टिप खराब हो गया तो इसको निकाल दीजिए फिर नया और एक का, सीमेंटेड कार्बाइड से बने टिप का इधर आप फिट कर लीजिए ठीक है तो ये आपका थ्रो अवे टाइप भी होता है इतना आपको समझ में आ गया इसका बाद हिंदी में देखिए और कुछ पॉइंट भी आपको जानना है देखिए ये एक एलोय धातु है जो बहुत ही कठोर या भंगुर होता है जितना ज़्यादा जो हार्ड होगा उतना ही वो ब्रिटेल होगा ये आप लोग जानते हैं हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा चार गुना ज़्यादा गति पर कटाई की जा सकती है तो जो आपका हाई स्पीड स्टील है उससे चार गुण ज़्यादा एफिशिएंसी में काम कौन करता है सीमेंटेड कार्बाइड करता है जब सिरामिक का बारे में मैं आपको पार्ट वन का वीडियो में बताया हूँ तो उसमें मैंने बताया था सीमेंटेड कार्बाइड से भी चार गुण एफिशिएंसी में काम करता है सीरामिक कटिंग टूल मटेरियल और अगर बात करते हाई स्पीड स्टील का साथ सिरामिक काम कंपेयर करते तो हाई स्पीड स्टील का फोर्टी टाइम्स मतलब चालीस गुण ज़्यादा एफिशिएंसी में काम करता है सीरामिक कटिंग टूल मटेरियल लेकिन इसमें आपको क्या बोल रहे हैं इसमें ओनली बोल रहे हैं जो आपका हाई स्पीड स्टील है जो आपका हाई स्पीड स्टील है उसका चार गुण ज़्यादा एफिशिएंसी में सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल काम करता है ठीक है इसमें मुख्यतः टंगस्टन कार्बाइड टाइटेनियम कोबाल टेंटलम नियोबियम आदि धातु को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध शुद्ध कार्बन के साथ मिलाकर उच्च दबाव पर अलग अलग आकार के टिप्स के रूप में तैयार की जाती है तो इसमें आपको बताया जा रहा है मैं आपको पहले ही बताया हूँ सीमेंटेड कार्बाइड टूल हम लोग बनाते हैं इसमें जो एलोय होता है मेनली इसमें कार्बन और टंगस्टेन रहता है तो इसका साथ और क्या क्या रहता है देखिए टाइटेनियम कोबाल, टेंटलम नियोबियम और आपका शुद्ध कार्बन मतलब प्योर कार्बन को मिलाकर पंद्रह डिग्री सेंटीग्रेड में हाई प्रेशर में अलग अलग शेप में टिप्स के रूप में बनाया जाता है मतलब अलग अलग शेप का टिप में इसमें बनाया जाता है इन टिप्स को टूल होल्डर में पकड़कर ब्रेजिंग किया जाता है, जो आपका कार्बन स्टील सैंक होता है कार्बन स्टील सैंक का टूल होल्डर होता है उसमें ये टिप्स को ब्रेजिंग करके फिट किया जाता है इसकी टिप थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड तक उच्च तापमान पर भी सुरक्षित रहती है मतलब ये थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड तक आप कार्य कर सकते मशीनिंग कर सकते इनका प्रयोग अत्यधिक कठोर धातु के लिए किया जाता है इसकी टिप्स हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा सस्ती रहती है और इसका जो टिप होता है एक हाई स्पीड स्टील का कटिंग का टूल खरीदने से अच्छा कि आप सीमेंटेड कार्बाइड का एक टिप खरीद लीजिए ये आपका सस्ता होता है इसीलिए तो टिप में बनाया गया है इन्हें बिना कूलेंट के भी प्रयोग किया जाता है तो इसको अब बिना कूलेंट के भी प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि अब देखिए इसका जब टेम्परेचर आपको दिया है कितना कितना डिग्री थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर में भी एफिशेंटली काम कर सकते हैं और अगर बात करते हैं एच हाई स्पीड स्टील ओनली छः डिग्री सेंटीग्रेड तक ही काम कर सकते हैं उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसका हार्डनेस कोर खो जाता है इसीलिए आपको कूलेंट यूज़ करना पड़ता है जब आप हाई स्पीड स्टील से मैसिनंग करते हैं लेकिन थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो जब मैसिनंग करते उतना डिग्री टेम्परेचर तक नहीं पहुँचते इसलिए अगर आप कूलेंट भी नहीं यूज़ करते तो उतना डिग्री तक टेम्परेचर में भी नहीं पहुंचते है, तो इसके लिए कूलेंट यूज नहीं करने से भी चल जाता है लेकिन इसे फोर्ज नहीं किया जा सकता देखो ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है क्योंकि इसमें प्योर कार्बन यूज किया जाता है अब बनाने के लिए ठीक है और इसको हाई प्रेशर में हम लोग अलग अलग सेप में बनाते हैं तो जब इसमें कार्बन परसेंटेज ज्यादा है इसका मेन एलोइंग एलिमेंट कार्बन है और टंगस्टन है कार्बन जा, जिसमें ज्यादा होता है उतना ज्यादा ब्रिटेल होता है जितना ज्यादा ब्रिटेल होता है उसको हम लोग कभी भी फोर्जिंग नहीं कर सकते फोर्ज करके नहीं बना सकते इसे ज्यादा कसने से एक क्रैक भी हो सकता है इसको ज़्यादा अगर टाइट करके अगर हम लोग करते हैं जो आपका कार्बन स्टील सेंक का जो टूल होल्डर उसमें अगर हम लोग ज़्यादा कस के और ब्रिजिंग कर देते हैं उसमें वो क्रैक होने का भी इसका चांसेस होता है तो सीमेंटेड कार्बाइड टूल के का बारे में आपको डिटेल में आइडिया मिल गया है तो मैं जब भी डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन में जितना हो सके उसका रिलेटेड पॉइंट बताने का कोशिश करता हूँ इससे आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला है कि सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल कितना मैक्सिमम डिग्री टेम्परेचर तक वो एफिशियंटली काम कर सकते हैं हाई स्पीड स्टील का अफेक्का वो चार गुण ज़्यादा एफिशियंसी में काम कर सकते हैं इसके बाद सिरामिक का बारे में जब मैं आपको बताया था कि सीमेंटेड कार्बाइड से भी चार गुना ज़्यादा एफिशियंसी में सिरामिक टूल काम करता है और एच एस का तुलना में फोर्टी गुन ज़्यादा एफिशिएंसी में काम करता है सिरामिक कटिंग टूल मेटेरियल और सिरामिक कटिंग टूल मेटेरियल 1200 डिग्री मतलब बहुत हाई टेम्परेचर तक भी वो एफिशिएंटली काम करता है इसीलिए इसका मशीनिंग करते टाइम कूलेंट अगर नहीं यूज़ करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है और ये सब ज़्यादा हार्ड होता है इसीलिए इसमें ज़्यादा हार्ड होने का कारण इसको फोर्जिंग करके कभी भी हम लोग नहीं बनाते तो आप देखिए कितना सारा चीज़ आपको इसमें से सीखने को मिल गया है देखो हम अगर चाहते तो नॉर्मल क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करके आगे बढ़ सकते हैं तो ये मेरे लिए भी आसान होता है क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर देना फिर भी मैं मेहनत करके आप लोग को हर वीडियो में मैक्सिमम पोर्शन रिलेटेड जो भी आपका पॉइंट होता है बताने का कोशिश करता हूँ कि, कि इस क्वेश्चन का साथ साथ और भी टॉपिक आपका क्लियर हो जाए तो ये जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो तो उस स्टूडेंट के लिए मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोगों के लिए ये चैनल नहीं है ये चैनल वो सभी स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट एक्चुअली कुछ सीखना चाहते हैं मेरा चैनल में अगर हज़ार स्टूडेंट भी रहेगा और वो अगर प्योर स्टूडेंट है तब भी मेरे को कोई दुख नहीं है मेरे को पाँच हज़ार छः हज़ार लोगों को देखने का जरूरत नहीं है लेकिन जो लोग देखेगा वो पूरा वीडियो देखना चाहिए और हम ये जानते हैं मैं जो भी वीडियो भी पोस्ट करता हूँ जैसे टू थाउजेंड का क्लास मैं टोटल बारह सौ क्वेश्चन तक कम्प्लीट किया हूँ इसमें से बहुत सारा स्टूडेंट मतलब रेगुलर पाँच से छः हज़ार स्टूडेंट इस सीरीज को फॉलो करते हैं वो पसंद करते मेरा डिस्कशन करने का तरीका और वो सब इस सीरीज से बहुत कुछ नया नया चीज़ भी सीखा है और आगे भी बाकी 800 क्वेश्चन जब डिस्कस होगा तब भी और भी नया नया टॉपिक सीख पाएगा ठीक है देखिए फोर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ स्लिप गेज फॉर एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री यूजिंग साइन बार ऑफ टू हंड्रेड मिलीमीटर लॉन्ग तो इसमें देखिए आपका साइन बार ये आपका साइन बार और ये आपका स्लिप गेज को इंडिकेट कर रहा है और ये आपका बेस है ओके तो इसमें देखिए आपको बताया जा रहा है आपको निकालना है ये आपका जो हाइट है बी सी बीसी आपको निकालना पड़ेगा स्लीवगेज हाइट कितना है ये आपको निकालना है तो आप तो जानते हैं साइनबार के लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है बार के लिए आपका फॉर्मूला होता है साइन थीटा तो साइन थीटा इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा इजिकल टू आपका हो जाएगा लंब मतलब पारपेंडिकुलर या हाइट आप लिख लीजिए हाइट बटा हाइपोटेनियस हो जाएगा अतिभुज हो जाएगा हाइपोटेनियस ठीक है तो साइन थीटा का जगह आपका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका तीस डिग्री दिया है साइन तीस डिग्री इजिकल टू तो हाइट आपको निकालना पड़ेगा और हाइपोटीनस आपका कितना दिया है आपको दो सौ दिया है जो हाइपोटीनस किसको इंडिकेट करता है साइन बार को इंडिकेट करता है इसका बात देखिए साइन थर्टी का वैल्यू होता है हाफ और इधर आपका हो जाएगा हाइट डिवाइड बाई टू हंड्रेड तो इधर आप काट सकते हैं आपका हंड्रेड हो जाएगा तो हाइट इज इक्वल टू तो आपका कितना आ जाएगा हाइट इज इक्वल टू तो हंड्रेड मिलीमीटर आ जाएगा मतलब आप बोल सकते हैं जो आपका स्लीप गेज है स्लीप गेज के इधर हाइट आपका कितना हो जाएगा हंड्रेड मिलीमीटर हो जाएगा कैसे निकल निकला है ये आपको समझ में आ गया जब भी आपको साइन बार का कैलकुलेशन करने के लिए बोलेगा तो आपको साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना है लंब बटा अतिभुज आप ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं हाइट बटा हाइपोटेनियस या आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस ओके तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फोर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था इन सी एन सी मशीनिंग व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जी थर्टी टू कोड तो सी एन सी कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल इसमें जी थर्टी टू इस कोड का फंक्शन क्या होता है कार्य क्या होता है अगर आप फीटा टर्नर और मशीन स्टूडेंट से स्टूडेंट है तो आप लोग जरूर जी कोड का क्लास देख लीजिए यूट्यूब पर मैंने जी कोड के लिए एक क्लास प्रोवाइड किया था जिसमें सारे जी कोड का क्लास में आपको आप, क्लास में आपको बताया था ठीक है तो जी थर्टी टू मतलब होता है थ्रेड कटिंग तो जी थर्टी टू कॉमेंड यूज होता है थ्रेड कटिंग करने के लिए ओके और जी डबल जीरो आपका यूज होता है रैपिड ट्रांसफर्स के लिए जी जीरो वन लीनियर इंटरपोलेशन के लिए और जी जीरो टू ये आपका यूज़ होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज और जी जीरो थ्री ये आपका यूज होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज ठीक है इतना आपको समझ में अगर जितना भी आपका मतलब ऑप्शन दिया है सब आ, उसका एक्चुअली कोड क्या है मैं आपको बता दिया हूँ लीनियर इंटरपोलेशन के लिए जी जी जीरो वन सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज के लिए जी जीरो टू और सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज जिसको हम लोग एंटी क्लॉक कहते हैं उसके लिए जी जीरो थ्री और रैपिड ट्रांसवर्स के लिए आपका हो जाएगा जी डबल जीरो ठीक है तो एक चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार देख लीजिए जैसे मैं आपको बताया हूँ कि जी डबल जीरो रैपिड ट्रांसफर्स जी जीरो वन लिनियर इंटरपोलेशन जी जीरो टू सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज वाइज जी जीरो थ्री सर्कुलर क्लॉकवाइज सॉरी इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज जी जीरो फोर ड्यूएल टाइम जी जीरो नाइन एग्जैक्ट स्टॉप जी ट्वेंटी इनपुट इन इंच जी ट्वेंटी वन इनपुट इन मिलीमीटर ओके इसका देखिए जी थर्टी टू जो आपका थ्रेड कटिंग के लिए यूज होता है जी सेवेंटी मतलब फिनिश मेसनिंग टाइम और जी सेवेंटी वन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका टर्निंग साइकिल और G41 मतलब टूल नोज रेडियस कम्पनसेशन लेफ्ट और G42 टूल नोज रेडियस कम्पेंसेशन राइट ओके इतना समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन ट्रिपेनिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म फॉर प्रोड्यूसिंग तो ट्रिपेनिंग ऑपरेशन डैश उत्पादन के लिए किया जाता है बिग साइज होल जब आपको ड्रिलिंग करना पड़ेगा बड़े आकार के जब आपको छेद बनाना पड़ेगा तब ट्रिपेनिंग यूज होता है जब आप किसी भी होल को किसी भी ऐसा बड़ा होल है जो आप ड्रिल करके नहीं बना सकते तो ऐसा होल को हम लोग बनाते हैं ट्रीपेनिंग ऑपरेशन करके ठीक है सोचो हमें 400 मिलीमीटर का एक होल बनाना है तो जो ड्रिल से हम लोग नहीं बना सकते इतना बड़ा होल तो वो सब होल हम लोग किससे बनाते हैं ट्रिपेनिंग ऑपरेशन से बनाते हैं तो कैसा होता है ये भी आप देख लीजिए देखिए ट्रीपेनिंग तो इसमें सबसे पहले पढ़ लीजिए ट्रिपेनिंग इज द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग ए होल बाय रिमूविंग मेटल एलोंग द सरकम्फरेंस ऑफ द होलो कटिंग टूल ठीक है तो ये आपका एक होलो कटिंग टूल होता है और जो आपका मेटेरियल को रिमूव करते हैं उसका सरकम्फरेंस बराबर ट्रिपेनिंग इज परफॉर्म बाय परफॉर्म फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज डायमीटर होल व्हिच कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय एनी अदर ड्रिलिंग ऑपरेशन जो किसी भी ड्रिलिंग ऑपरेशन मतलब रेडियल ड्रिलिंग मशीन से भी अगर नहीं होता है तो वैसा होल हम लोग किससे बना सकते हैं ट्रिपेनिंग ऑपरेशन से बना सकते हैं है। तो ये आप देखिए ये आपका एक टूल है ठीक है ये आपका दो कटिंग एजेस है ये एक कटिंग एज ये एक कटिंग एज है ठीक है तो ये कटिंग एज आपका क्या करता है ये कटिंग एज को वर्क पीस में होल बनाता है ठीक है तो ये आपका जो ऑपरेशन होता है इसको ट्रिपिनिंग ऑपरेशन कहते हैं जिसका दो कटिंग एज होता है और आप देखिए इसमें एक वर्क पीस भी इसका दिया है और ये आपका गाइड करता है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले सोचो ये हमारा वर्क पीस है ये हमारा वर्क पीस है वेट सबसे पहले देखिए ये हमारा वर्क पीस है ठीक है तो इसमें हमें बहुत बड़े डायमीटर का होल बनाना है तो इसमें हम लोग स्मॉल डायमीटर का होल बना लेते स्मॉल डायमीटर का होल जो हम लोग का इतना अवेलेबल होता है हम लोग बना लेते इसका क्या करते है? इसका जो ट्रिपेनिंग टूल होता है इस टूल को हम लोग लाते हैं इस होल में ठीक है और इस होल का अंदर एक गाइड को हम लोग डालते हैं आपका गाइड है गाइड को डालते हैं और एक गाइड को जब भी डालते हैं तो ट्रिपनिंग टूल को क्या करते हैं अलाइनमेंट कर लेते हैं होल का एक्सिस का साथ इसका बाद ये जो इसका कटिंग है जो कटिंग, है, जो कटिंग है, इसका कटिंग करते हैं और बड़ा डायमीटर का होल को बनाते हैं मतलब ट्रिपेनिंग करने से पहले आपको छोटे डायमीटर का होल तो बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें गाइड को प्लेस करना है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट द उद ऑफ द टूल यूज टू कट टेन मिलीमीटर पिच स्क्वायर थ्रेड इज दस मिलीमीटर अंतराल वर्गा चूड़ी काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण की चौड़ाई कितना है तो इसमें देखिए द उइ ऑफ टूल आपको निकालना है ठीक है तो इसमें देखिए आपको कितना कटना है टू का टेन मिलीमीटर पिच स्क्वायर थ्रेड तो पिच मतलब क्या होता है ये आपका स्क्वायर थ्रेड ऐसा होता है ठीक है ये आपका स्क्वायर थ्रेड ऐसा होता है पिच मतलब क्या होता है आप बोल सकते है? इधर से इधर तक का डिस्टेंस टेन मिलीमीटर mm, यह आप बोल सकते हैं इधर से इधर तक का डिस्टेंस टेन मिलीमीटर ठीक है मतलब एक टीथ से दूसरा टीथ का जो बीच का गैप होता है एडजस्ट टीथ का बीच का गैप होता है इसको हम लोग कहते हैं पिच ठीक है तो इसमें जब आपको टेन मिलीमीटर पिच स्क्वायर थ्रेड जब आपको कटना है तो टूल का उइ कितना होना चाहिए तो टूल का उइ होता है इज इक्वल टू आपको करना है पिच डिवाइड बाई टू मतलब दस डिवाइड बाई टू तो आपका हो जाएगा फाइव मिलीमीटर तो फाइव मिलीमीटर mm का उद होना चाहिए कटिंग टूल का ठीक है तो जो आप स्क्वायर थ्रेड बनाने के लिए स्क्वायर टूल का यूज़ कर रहे हैं उसका उद हो जाएगा फाइव मिलीमीटर mm, और जब भी आप इससे थ्रेड काटते हैं तो इसमें जो आपका पीच होगा वो आपका टेन मिलीमीटर mm का आएगा तो ऑप्शन नंबर फाइव इज द राइट आंसर हो जाएगा सॉरी ऑप्शन नंबर बी फाइव मिलीमीटर राइट आंसर हो जाएगा टूल का उद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन द डिस्टेंस थ्रू विच स्क्रू थ्रेड एडवांसेज एक्सुअली इन वन टर्न इज कॉल्ड वो दूरी जिसके माध्यम से एक पैं चूड़ी एक मोड़ में अखिय रूप से आगे बढ़ती है उसे डैश कहता है तो इस क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है किसी भी एक बोल्ट है और किसी एक नाट है दोनों में थ्रेड कटे होते हैं ठीक है ये आपका जो बोल्ट है बोल्ट इसका एक चक्कर में मतलब एक टर्न में या एक रेवोल्यूशन में जितना नाट में आगे बढ़ता है सोचो अगर दो मिलीमीटर का आगे बढ़ता है इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं लीड ऑफ थ्रेड ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मतलब किसी भी स्क्रू थ्रेड उसके एक चक्कर में जितना वो डिस्टेंस आगे बढ़ता है उसको कहते हैं लीड ऑफ थ्रेड ऑप्शन नंबर बी फिफ्टी नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था सरफेस फिनिश चैप्टर से इन दिस सिंबल द नंबर ट्वेल्व पॉइंट फाइव इंडिकेट्स तो इस सिंबल में ट्वेल्व पॉइंट फाइव इधर है ये क्या इंडिकेट कर रहा है मशीन अलाउंस सरफेस पैटर्न मशीनिंग मेथड या रफनेस वैल्यू तो ये आपका इंडिकेट कर रहा है ऑप्शन नंबर सी रफनेस वैल्यू या आर ए वैल्यू को ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का तो इससे जो बाकी और भी आपका है फाइव इसका बाद जो आपका परपेंडिकुलरिटी का एक सिंबल है ज़ीरो पॉइंट टू फाइव इसका बात मिलिंग मतलब जो आपका मैसेजिंग मेथड लिखा है तो इसका बारे में डिटेल में मैं आपको बता देता हूं क्योंकि जब इसरो में आप एग्ज़ाम देंगे आपका बी एस एस सी का फिर से एग्ज़ाम रिसिव हो होगा और उसमें आपको सेम सरफेस फिनिश चैप्टर से एक क्वेश्चन तो हंड्रेड परसेंट पूछा जाएगा देखो इसमें आपका सेम डायग्राम है और इसमें अलग अलग पार्ट है तो इस पार्ट का नाम क्या है अभी इससे आपको पता चल जाएगा सबसे पहले जो ए पार्ट है ए पार्ट का आप, पार्ट आपका क्या इंडिकेट करता है रफनेस वैल्यू या आर ए वैल्यू जहाँ पे आपका ट्वेल्व पॉइंट फाइव था क्वेश्चन में ठीक है इसका बाद देखिए बी बी कहाँ पर है बी आपका इधर है तो बी क्या इंडिकेट करता है प्रोडक्शन मेथड या ट्रीटमेंट ऑफ कोटिंग किस टाइप का कोटिंग या प्रोडक्शन मेथड कैसा है आप रिमिंग कर रहे इधर देखिए रिमिंग कर रहे हैं या सेपिंग कर रहे हैं या आप प्लेनिंग कर रहा है या आप जो भी आप बोल सकते हैं स्लॉटिंग कर रहे हैं तो ये आपका प्रोडक्शन मेथड आपको इधर लिखा रहता है ठीक है नेक्स्ट सी सी कहाँ पर है सी आपका इधर है सी आपका सैंपलिंग लेंथ है ठीक है तो इधर आपका लिखा रहेगा सैंपलिंग लेंथ डी कहां पर है डी आपका इधर रहता है डी आपका डायरेक्शन ऑफ ले ठीक है डायरेक्शन ऑफ ले इसका देखिए ई नंबर ई कहां पर है ई आपका इधर है ई मतलब आपका मैशीनिंग अलाउंस ई आपका इधर दिया है मैशीनिंग अलाउंस और एफ कहाँ पर है एफ आपका ब्रैकेट में रहता है सी में आपका सैम्पलिंग से लेंथ और उसका बगल में आपका एफ रहता है और एफ में आपका रहता है आधा रफनेस वैल्यू इन ब्रैकेट तो ये आपका जो आधा रफनेस वैल्यू होता है ये आपका ब्रैकेट में लिखा रहता है एफ पोजिशन में इससे आपको किसी भी जगह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको बताया जा सकता है बी आपको क्या कर रहा है तो इससे आप टाइप ऑफ कोटिंग या प्रोडक्शन मेथड क्या रिमिंग सेपिंग या प्लानिंग जो भी है वो आपको इंडिकेट कर रहा है आपको ऐसे भी बोला जा सकता है डी क्या इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन जी इज द टॉलरेंस क्लास डिजिग्नेशन ऑफ द स्क्रेस्पॉन्डिंग टू तो, आपको इस okay? number, into into तो इसमें, इसमें आपको एक स्क्रू uh, थ्रेड का डिजिग्नेशन दिया गया एम मतलब होता आपका मेट्रिक uh, सिस्टम में सिक्स मतलब होता है आपका मेजर डायमीटर वन इंडिकेट करता है पिच ऑफ थ्रेड फोर जी क्या इंडिकेट करता है देखिए इसमें आपको यही बताया जा रहा है पहले से आप एक बार पढ़ लीजिए टोटल चीज को डिलीट करके वेट कीजिए एक बार देखिए एम सिक्स इंटू वन इंटू फोर जी इज द टॉलरेंस क्लास डिजिग्नेशन ऑफ द स्क्रू करस्पोंडिंग टू तो ये आपका फोर जी जो है ये आपको किस टॉलरेंस क्लासिफिकेशन को इंडिकेट कर रहा है तो इससे आपको मैं बता देना चाहता हूँ फोर जी क्या इसमें इस इंडिकेट कर रहा है तो इसे डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ तो आपको और कभी इस टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा जैसे आप लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर पढ़े हैं किसी भी हम हम होल या सेप्ट uh, बनाते हैं तो उसमें हम लोग टॉलरेंस देते हैं कि हाँ इन टॉलरेंस का अंदर बनाना चाहिए वैसे थ्रेड में भी हम लोग टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं और टॉलरेंस टोटल कितने ग्रेड में अवेलेबल होता है आप देखिए टोटल इसमें सात ग्रेड में अवेलेबल होता है थ्री फोर से फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो इसमें जो थ्री फोर फाइव होता है ये आपका फाइन स्क्रू थ्रेड के लिए होता है और जो आपका सिक्स होता है सिक्स आपका होता है नॉर्मल आप बोल सकते मीडियम के लिए होता है और जो आपका सेवन एट नाइन ये आप बोल सकते जो हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से जब थ्रेड बनाते हैं जित जहाँ पर थ्रेड का एक्यूरेसी उतना आ, मतलब आ, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं होता मतलब जहाँ पे एग्जैक्ट या एक्यूरेट होना उतना जरूरी नहीं होता है जब हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से बनाते हैं तब उसका आप इसमें टॉलरेंस ग्रेड आता है सेवन एट नाइन और थ्री फोर फाइव आपका फाइन ग्रेड के लिए होता है और सिक्स आपका मीडियम ग्रेड के लिए होता है ये आपको क्लियर हो गया है इसमें देखिए इसमें आप लोग जानते हैं जब भी होल का बात होता है तो उसमें ऑलवेज कैपिटल लेटर होता है तो जब भी इंटरनल थ्रेड का बात करेगा मतलब इंटरनल थ्रेड मतलब होल में थ्रेड होगा तो ये आपका होल का बात कर करें इसीलिए जी और एच हो जाएगा आपका कैपिटल में रहेगा इंटरनल थ्रेड मतलब होल है और होल के लिए जी और एच रहेगा टॉलरेंस पोजीशन इसमें आपको पोजीशन मैं बता रहा हूँ सबसे पहले ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आपको बता दिया हूँ ग्रेड ऑफ टॉलरेंस बताया हूँ ग्रेड ऑफ टॉलरेंस टोटल सात होता है सात में से देखिए थ्री फोर फाइव आपका फाइन स्क्रू थ्रेड के लिए सिक्स मीडियम और सेवन एट नाइन जो हम लोग अब बोल सकते हैं राफ या कोर्स के लिए जो हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से जनरली बनाते हैं तो उससे हम लोग का जो टॉलरेंस ग्रेड होता है सेवन एट नाइन होता है और इसके बाद है टॉलरेंस पोजीशन आप देखिए जी और एच ये आपका इंटरनल थ्रेड के मतलब होल के लिए हो रहा है एक्सटर्नल थ्रेड जो आपका सॉफ्ट होता है साफ्ट का ऑलवेज uh, हम लोग क्या करते हैं साफ्ट के लिए ऑलवेज हम लोग स्मॉल लेटर यूज करते हैं तो आप देखिए साफ्ट में जब थ्रेड होता है वो आपका एक्सटर्नल थ्रेड होता है इसीलिए आपका जो सॉफ्ट है इसीलिए आप देखिए इसमें जो टॉलरेंस पोजीशन होगा ई एफ जी एच इसमें चार टॉलरेंस पोजीशन होता है ठीक है तो होल के लिए आ, या इंटरनल थ्रेड के लिए जी और एच होता है बट जब आपका सॉफ्ट या एक्सटर्नल थ्रेड का बात आएगा तो इसमें ई एफ जी एच होता है इसमें देखिए इसमें आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा एक्सटर्नल थ्रेड मतलब क्या है ये आपका सेफ्ट का बात कर रहा है सेफ्ट के लिए ऑलवेज आपका होता है स्मॉल लेटर में ठीक है एम टेन इंटू वन फाइव जी सिक्स जी तो इसमें देखिए इसमें आ, एम मतलब होता है आपका मेट्रिक सिस्टम टेन मतलब होता है मेजर डायमीटर वन मतलब होता है पिच ऑफ थ्रेड इसमें जो आपका पहले रहता है ये आपका रहता है पीच डायमीटर के लिए ठीक है तो इसमें टॉलरेंस क्लास फॉर पीच डायमीटर को इंडिकेट करता है तो क्वेश्चन में जब आपको पूछा जाएगा 5G क्या कर रहा है तो इसमें आपको बोलना है टॉलरेंस क्लास फॉर डायमीटर को इंडिकेट कर रहा है इतना आपको समझ में आ गया है। और इसमें अगर आप देखते तो फाइव आपका होता है टॉलरेंस ग्रेड और जी आपका होता है टॉलरेंस का पोजिशन ठीक है इसमें देखिए इसका बात जो होता है ये आपका मेजर डायमीटर का टॉलरेंस क्लास होता है तो सिक्स जी क्या इंडिकेट कर रहा है टॉलरेंस क्लास फॉर मेजर डायमीटर इसमें जो आपका सिक्स होता है वो आपका टॉलरेंस आप, आप बोल सकते हैं ग्रेड होता है और जी आपका टॉलरेंस पोजीशन होता है ये आपका एक्सटर्नल थ्रेड मतलब सेफ्ट पर जो होता है सेफ्ट के लिए ऑलवेज स्मॉल लेटर होता है इसका बाद देखिए आपको अगर ओनली ऐसा दिया जाता है एम टेन अगर आपको पीच दिया भी जाता है इन टू वन तो इतना है और ओनली अगर आपको सिक्स जी दिया जाता है मतलब इसमें क्या है इसमें आपका टॉलरेंस क्लस पीच डायमीटर और मेजर डायमीटर दोनों के लिए सेम है दोनों के लिए सिक्स जी है ठीक है जब ओनली वन दिया रहेगा अब एक ही दिया रहेगा मतलब वो मेजर डायमीटर पिच डायमीटर दोनों का टॉलरेंस क्लास को वो इंडिकेट कर रहा है इसके बाद देखिए इंटरनल थ्रेड मतलब क्या है होल को इंडिकेट कर रहा है तो होल के लिए ऑलवेज कैपिटल लेटर हम लोग यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं इसमें देखिए एम टेन इंटू वन एम मतलब मेट्रिक सिस्टम टेन मतलब आपका मेजर डायमीटर वन मतलब पिच ऑफ थ्रेड इसमें देखिए होल के लिए है इसीलिए ये आपका जो फाइव एच है फाइव एच आप देखिए ये आपका कैपिटल लेटर में सिक्स भी आपका कैपिटल लेटर में क्योंकि ये होल को इंडिकेट कर रहा है तो इसमें जो आपका फाइव एच है ये आपका सबसे पहले जो रहता है वो आपका पीच डायमीटर का टॉलरेंस क्लास को इंडिकेट करता है और नेक्स्ट जो रहता है वो आपका माइनर डायमीटर इंटरनल थ्रेड के लिए आपका हो जाएगा माइनर डायमीटर का टॉलरेंस क्लास है ठीक है जब एक्सटर्नल एक्सटर्नल जब थ्रेड होता है ठीक है तो एक्सटर्नल थ्रेड के लिए आपका मेजर डायमीटर होता है क्योंकि आप क्या करते है? जो आपका साफ्ट होता है उसका एक्सटर्नल डायमीटर को आप चेक करते हैं ना सबसे पहले तो वो आपका मेजर डायमीटर होता है तो एक्सटर्नल थ्रेड के लिए मेजर डायमीटर का टॉलरेंस क्लास होगा जब इंटरनल थ्रेड बोलेगा तो इंटरनल थ्रेड के लिए आपका माइनर डायमीटर का टॉलरेंस क्लास होगा इसमें अगर ओनली एम टेन इंटू वन दिया रहता है तो आपका तो इधर तक पता है कि पीच ऑफ थ्रेड तक होगा इसके बाद सिक्स एच मतलब के लग... क्या है माइनस डायमीटर और पीच डायमीटर दोनों के लिए टॉलरेंस क्लास सेम है ठीक है तो सिक्स एच दोनों को इसमें इंडिकेट कर रहा है इतना आपको समझ में आ गया है और सिक्स मतलब ये आपका टॉलरेंस ग्रेड है और एच आपका पोजीशन है ठीक है तो ये आपका जब भी होल के लिए होगा ये आपका होल के लिए है इसीलिए आपका कैपिटल में है मैंने आप लोग को पहले ही इसमें पोजीशन में आप लोग को बताया था आप देखिए इंटरनल के लिए जी और एच होता है क्योंकि होल को इंडिकेट कर रहा है और इसमें देखिए आपका कैपिटल एच ही हुआ है ठीक है कैपिटल एच इसमें हुआ है और एक्सटर्नल के लिए मैंने आप लोग को क्या बताया था एक्सटर्नल के लिए बोला था ई एफ जी एच तो इसमें देखिए इसमें आपका जी दिया है स्मॉल जी दिया है ठीक है तो इसमें तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया ओनली जब आपको एक ही दिया रहेगा मतलब वो आपका मेजर डायमीटर और डायमीटर दोनों का क्लास को इंडिकेट करता है तो क्वेश्चन को अब दोबारा पढ़ लीजिए एम सिक्स इंटू वन इंटू फोर जी इज द टॉलरेंस क्लास डेजिग्नेशन ऑफ द स्क्रू कॉरस्पॉन्डिंग टू इसमें ओनली फोर जी दिया है मतलब इसमें पीच डायमीटर टॉलरेंस और मेजर डायमीटर टॉलरेंस दोनों के लिए ए सेम है दोनों को इंडिकेट कर रहा है लेकिन इसमें आपको राइट right आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए पीच डायमीटर टॉलरेंस ऑप्शन नंबर ए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू डायमीटर ऑफ सेप्ट इज फिफ्टीन मिलीमीटर एंड इट्स अपर लिमिट इज़ ज़ीरो पॉइंट जीरो फोर मिलीमीटर एंड लोअर लिमिट इज़ ज़ ज़ीरो पॉइंट जीरो थ्री मिली ये आपका अपर लिमिट नहीं होगा यह आपका लोअर लिमिट नहीं होगा ये आपका सब डिविएशन हो जाएगा आपका अपर डिविएशन लोअर डिविएशन ठीक है तो किसी सेफ्ट का डायमीटर पंद्रह मिलीमीटर mm है उसका अपर डिविएशन जीरो पॉइंट जीरो फोर है और उसका लोअर डिविएशन जीरो पॉइंट जीरो थ्री है और होल के लिए आप देखिए होल का डायमीटर फोर्टीन पॉइंट एट mm मिलीमीटर है और इसका अपर लिमिट जीरो पॉइंट जीरो फाइव मिलीमीटर मतलब ये आपका अपर डिविएसन जीरो पॉइंट जीरो फाइव मिलीमीटर और लोअर डिविएसन जीरो पॉइंट जीरो थ्री मिली व्हाट विल बी द टाइप ऑफ फीट देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी ज़रूरत नहीं है इससे आप साफ साफ पता लगा सकते हैं सर्ट का डायमीटर क्या पंद्रह मिलीमीटर दिया है और किसी होल का डायमीटर कितना दिया है फोर्टीन पॉइंट एट मिलीमीटर दिया है तो होल का डायमीटर जब छोटा ऑलरेडी पहले से दिया है और सेफ्ट का डायमीटर जब बड़ा है मतलब इसमें क्या होगा होल का डायमीटर अगर सेफ्ट का डायमीटर से छोटा होता है मतलब इसमें आपका इंटरफ्रेंस फिट आएगा ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा आप इसको सॉल्व करके कर भी कर सकते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको होल के लिए अलग से लिखना पड़ेगा बेसिक साइज प्लस अपर डिवेशन को करना है तो तब आपका आएगा अपर लिमिट इसके बाद अब जब आपको लोअर लिमिट निकालना है तो बेसिक साइज प्लस जीरो पॉइंट जीरो थ्री मतलब लोअर डिवेसन को ऐड करना है फिर सेफ्ट के लिए आपको करना है बेसिक साइज मतलब पंद्रह प्लस आपको अपर लिमिट निकालने के लिए अपर डिविएसन को ऐड करना पंद्रह प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर हो जाएगा और आपको जब सेफ्ट का लोअर लिमिट निकालना पड़ेगा पंद्रह प्लस जीरो पॉइंट जीरो थ्री मतलब पंद्रह पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो थ्री मिलीमीटर ये आपका सेफ्ट के लिए लोअर लिमिट आ जाएगा उसके बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम अलाउंस मिनिमम अलाउंस तो आपको पता चल जाएगा लेकिन इससे आप इजीली देख सकते हैं होल का डायमीटर इसमें छोटा दिया है 14.8 पॉइंट mm एट मिलीमीटर और सेफ्ट का डायमीटर 15 मिलीमीटर mm. ये तो पहले ही आपको छोटा दे दिया होल सेफ्ट का तुलना में तो आपका तो टाइट फिट होगा टाइट फिट मतलब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरफ्रेंस फिट फिफ्टी नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए इसमें आपको पूछा जा रहा है फाइव डिग्री इज इक्वल टू डैश मिनट्स ऑफ आर्क तो वन डिग्री इज इक्वल टू सिक्स मिनट्स ऑफ आर्क तो फाइव डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिक्सटी इंटू फाइव मतलब आपका हो जाएगा तीन सौ मिनट्स ऑफ आर्क ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर तो इसमें एक डायग्राम आपको दिया है और ये आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस चैप्टर का एक टॉपिक है तो देखिए ये आपका एक रेक्टेंगुलर था पहले एक रेक्टेंगुलर था इसका साइज कितना दिया है एट इंटू फाइव सेंटीमीटर आपको दिया है ठीक है एट इंटू फाइव सेंटीमीटर दिया है उसमें से आप क्या निकाल रहे हैं इसमें से आप देखिए आपको सेंटीमीटर को सबसे पहले मिलीमीटर mm में करना है तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर mm करने के लिए आपका जस्ट टेन इसमें से हो जाएगा टेन सबको मल्टीपल कर देना है तो आपका हो जाएगा इधर आप देखिए एट्टी मिलीमीटर और ये आपका हो जाएगा फिफ्टी फिफ्टी मिलीमीटर ठीक है तो इसमें से देखिए आपका रेक्टेंगुलर इतना हो रहा है इसमें से आपको क्या बोल रहा है इसमें से देखिए इधर से आप काट के निकाल रहे हैं एक स्क्वायर पोर्शन को निकाल रहा है सभी जो आपका चार साइड में है चार साइड में आप सेम साइज़ का स्क्वायर को काट के निकाल रहे हैं तो इसमें देखिए इधर से आपका क्या है इधर से आपका दस है और आपका ऊपर से भी इधर तक दस है मतलब ये आपका स्क्वायर है ठीक है तो दस इंटू दस का स्क्वायर है तो टोटल दस इंटू दस मतलब क्या है दस इंटू दस मतलब इसका स्क्वायर का एरिया हो रहा है हंड्रेड इस इतना मतलब ये आपका एक स्क्वायर का एरिया निकाल के आ गया ऐसा कितना स्क्वायर है टोटल चार स्क्वायर है तो टोटल कितना जाएगा? हो, मतलब हो जाएगा आपका चार सौ गया मतलब चार स्क्वायर एरिया आपका माइनस हो जाएगा टोटल रेक्टेंगुलर का एरिया से तो टोटल रेक्टेंगुलर का एरिया आपका कितना हो जाएगा आपका रेक्टेंगुलर का एरिया का फॉर्मूला तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो आपका हो जाएगा एट्टी इंटू फिफ्टी तो एट्टी इंटू फिफ्टी मतलब आपका टोटल हो जाएगा चार हज़ार चार हज़ार से आपको चार सौ मिलीमीटर माइनस कर देना तो आपका कितना आ जाएगा छत्तीस सौ मिलीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा ठीक है तो देखो मिलीमीटर स्क्वायर से जब आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में आपको सेंटीमीटर में दिया है तो आप जानते हैं आपका सेंटीमीटर मिलीमीटर होता है तो आपको जस्ट एक घर करना है तो जब आपका स्क्वायर में दिया है मतलब वो एक का आपका क्या हो जाएगा एक घर है मतलब आपको जस्ट दस से क्या करना पड़ता है दस से आपको डिवाइड करना पड़ता ना लेकिन ये जब आपका स्क्वायर हो गया मतलब दस का स्क्वायर मतलब हंड्रेड तो आपको हंड्रेड से डिवाइड कर देना पड़ेगा तो हंड्रेड से जब डिवाइड करते हो तो आपका आ जाएगा थर्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है तो ये जो आपका अभी रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल का एरिया का एरिया हो जाएगा थर्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको फुल डायग्राम का एरिया निकाल लेना है इसमें फुल जो फिगर है ये आपका रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया सबसे पहले निकाल लेना है इसका बाद आपको देखना है कि कौन सा कौन सा पोर्शन को हम लोग काट के निकाल रहे हैं तो इधर आप देखिए एक स्क्वायर को आप काट के निकाल रहे हैं वैसे आप चार स्क्वायर को काट के निकाल रहे हैं तो सबसे पहले एक स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए और उसका साथ चार मल्टीपल करके आपका टोटल चार स्क्वायर का एरिया आ जाएगा इसका बाद जो फुल आपका रेक्टेंगल का एरिया था उससे आप चार स्क्वायर का एरिया को माइनस कर देते हैं तो ये जो आपका डायग्राम आप देख रहे हैं इसका एरिया निकल के आ जाएगा ठीक है तो ये सेम प्रोसेस होता है जब आपको किसी भी डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको बताया जाएगा इतना पोर्सन को हम लोग काट के निकाल दिए हैं और बाकी का एरिया क्या हो जाएगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं सबसे पहले फुल फिगर का एरिया निकाल लेना है उसके बाद जिस पोर्सन का आप कटे हैं उसका एरिया निकाल लेना दोनों को माइनस करते हो तो बचा हुआ पोर्सन का एरिया निकाल के आ जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द कैपेसिटी ऑफ लेथ इज एक्सप्रेसड एज लेध की क्षमता डैश के द्वारा व्यक्त की जाती है तो लेध का कैपेसिटी हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसका स्विंग डायमीटर और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर स्विंग डायमीटर मतलब इसका जो हेड स्पिंडल होता है उसका जो सेंटर लाइन होता है सेंटर लाइन से जो बेड वे होता है इसका जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं स्विंग डायमीटर और लाइफ सेंटर और डेड सेंटर के बीच का दूरी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर तो इन दोनों का दोनों का पॉइंट का हिसाब से इन दोनों का वैल्यू का हिसाब से लेथ का कैपेसिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं फिफ्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन का आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ के आया है अदरवाइज गलत आंसर करके आया है सबसे पहले देखिए एक भार्नियर कैलिपर है लेकिन इस भार्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट जीरो पॉइंट जीरो mm टू मिलीमीटर नहीं है तो कितना है ये सबसे पहले आपको निकाल लेना है और निकालने का तरीका क्या होता है मैं आज आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ क्योंकि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको इसरो में आगे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इसमें देखिए टोटल वन ईयर स्केल डिवीजन नीचे वाला जो डिवीजन है ये आपका वन ईयर स्केल डिवीजन है तो वी एस डी टोटल कितना है गिन आप लोग गिनते हैं तो आपको मिलेगा दस और ऊपर में जो डिवीजन है टोटल देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एट्टीन नाइनटीन तो एम एस डी में कितना हो रहा है मेन स्केल डिवीजन आपका हो रहा है टोटल नाइनटीन तो आप ऐसे बोल सकते हैं टेन भारियर स्केल डिवीज़न का साथ नाइनटीन मेन स्केल डिवीजन मैच हो रहा है इसका बाद टेन वी एस डी इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हैं आप लोग जानते हैं वन मेन स्केल डिविजन मतलब वन एम का वैल्यू तो वन मिलीमीटर mm तो नाइनटीन एम का वैल्यू हो जाएगा नाइनटीन मिलीमीटर mm. तो आप वन वी का वैल्यू निकाल सकते हो वन वी एच डीजू आपका हो जाएगा नाइनटीन बाई टेन मिलीमीटर ओके ये आपका वन वी का वैल्यू हो गया आप लोग जानते हैं लिस्ट काउंट का फॉर्मूला जेनरली होता है वन मेन स्केल डिविशन माइनस वन वन ईयर स्केल डिविजन ओके इसमें से आप जानते हैं वन मेन स्किल डिवीजन का वैल्यू होता है वन मिलीमीटर और वन वार्नियर स्केल डिवीजन वन बी का वैल्यू आ गया नाइनटीन बटा टेन मिलीमीटर तो इन दोनों का जब आप एल सी एम कर दें तो आपका आ जाएगा टेन माइनस नाइन्टीन डिवाइड बाई टेन तो आपका आ जाएगा माइनस नाइन बाई टेन मिली तो ये आप देखिए लिस्ट काउंट नेगेटिव में आ गया है माइनस में आ रहा है मतलब नेगेटिव में आ रहा है तो लिस्ट काउंट कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है तो आपको क्या करना है आपको करना है ये जो आप वन मेन स्केल डिवीजन लिखे हैं आपको टू मेन स्केल डिवीजन तक पकड़ना है क्योंकि आप ऐसा रीज़न लिखेंगे कि लिस्ट काउंट कैन नॉट बी नेगेटिव सो वी एज्यूम टू मेन स्केल डिवीजन टू फाइंड आउट द लिस्ट काउंट तो हम लोग को टू मेन स्केल डिवीजन पकड़ते हैं जैसे वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर में हम लोग टू मेन स्केल डिवीजन करते हैं माइनस वन माइनस के डिवीजन वैसे इसमें आपको करना है टू मेंस के डिवीजन क्यों मैं बोल रहा हूँ इस फिगर से भी आप इसको पता लगा सकते हैं मैं थोड़ा सा इसमें इसको इरेज करता हूँ आप फिगर देखिए नीचे जो आपका एक एक लाइन है आप देखिए दो दो मेन् के डिवीजन को पार किया है देखिए जीरो को आप छोड़ दीजिए जो पहला जो वन लाइन है ये बार जो वन लाइन आप देखिए एक दो दो मेन् स्कल डिवीजन को पार करके हुआ इसका देखिए जो सेकंड जो आपका दो नंबर वाला ये जो आपका लाइन है आप देखिए फिर एक दो मेन स्केल डिवीजन को पार पार करके इसमें आप अब आपका एक एक भाने स्केल डिवीजन है तो आप समझ सकते ये आपका डबल स्केल में है ठीक है तो इसीलिए आपको क्या करना है टू मेन स्केल डिवीजन आपको पकड़ना है तो टू स्केल डिवीजन मतलब टू मिलीमीटर हो जाएगा तो आप अभी कर सकते हैं एल सी तो एल करेंगे तो आपका आ जाएगा टू इंटू तो मतलब ट्वेंटी माइनस इधर आप देखिए नाइन्टी बटा टेन हो जाएगा तो इधर आपका कितना आ जाएगा वन बटा टेन मतलब आपका आ जाएगा जीरो पॉइंट वन तो जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर आपका क्या आ गया लिस्ट काउंट आ गया है ठीक है तो आप देखिए लिस्ट काउंट आपका हो गया जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर तो इसका बाद आप इसका रीडिंग निकाल सकते हैं ठीक है तो इसमें देखिए इसमें जो आपका पा... फाइव है मतलब इसमें सब देखिए फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री मतलब ये आपका पचास का घर है तो पचास का घर का बाद देखिए टोटल कितना घर को पार किया वन टू थ्री जीरो जो डिविजन है भारण्या स्केल डिविजन आपका तीन घर को पार किया मतलब त्रिपा है तो फिफ्टी थ्री तो आपका ऐसा आ रहा है और आपको देख लेना है भारण के डिविजन का कौन सा लाइन मैच हो रहा है तो भारनेर के डिविजन का आठ नंबर लाइन मैच हो रहा है तो आठ नंबर लाइन जब मैच हो रहा है तो आपका तब क्या हो जाएगा रीडिंग टोटल रीडिंग निकालने का फॉर्मूला होता है मेन स्केल स्केल में रीडिंग रीडिंग प्लस का reading. ठीक है तो मेन स्केल में रीडिंग आपका आ गया 53 मिलीमीटर mm और वानियर स्केल में रीडिंग जब आपको निकालना है तो आपको तब क्या करना है आपको करना है लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ तो कॉन्सेप्ट देखिए आठ नंबर लाइन इसमें मैच हो रहा है तो आपको करना है नंबर ऑफ डिवीजन कौन सा लाइन मैच, मैच हुआ आठ नंबर लाइन मैच हुआ तो आपको क्या करना है फिफ्टी थ्री मिली मीटर प्लस डिस्टकाउंट जीरो पॉइंट वन इंटू एट तो आपका क्या हो जाएगा फिफ्टी थ्री प्लस जीरो पॉइंट एट मतलब आपका आ जाएगा फिफ्टी थ्री पॉइंट mm, एट मिलीमीटर इसका रीडिंग ठीक है तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिफ्टी थ्री पॉइंट एट mm, जीरो मिलीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसका रीडिंग इतना आपको समझ में आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको बता दिया हूं इसका बाद देखिए 57 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है इन सी मशीन इन स्टैंड सी एन सी मैशी का फॉर्म होता है कंप्यूटराइज कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल मशीन सॉरी कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल तो इनका फॉर्म होता है न्यूमेरिकल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा फिफ्टी एट नंबर क्वेश्चन भी आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से पूछा गया है इसमें देखिए बोला हाउ मेनी रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ साइज़ टेन मिलीमीटर इनटू इंटू हंड्रेड मिलीमीटर कैन बी कट फ्रॉम ए सीट ऑफ साइज हंड्रेड मिलीमीटर इंटू हंड्रेड मिलीमीटर तो एक बड़ा सीट है हंड्रेड मिलीमीटर इंटू हंड्रेड मिलीमीटर मतलब एक स्क्वायर सीट है इससे आपको छोटा छोटा पीस में आपको सीट को काट के निकालना है तो इसमें से टोटल कितना सीट निकलेगा ये आपको निकालना है तो सबसे पहले जो आपका बड़ा सीट मेटल है जो आपका बड़ा सीट मेटल है हंड्रेड इंटू 100, हंड्रेड इसका एरिया निकाल लेना तो आपका एरिया आ जाएगा कितना हंड्रेड इंटू हंड्रेड मतलब टोटल आपका आ जाएगा इतना हो जाएगा ठीक है इसका बाद जो छोटा आपका रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल इसका एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेद होता है तो लेंथ आपका हंड्रेड ब्रेद आपका टेन हो जाएगा मतलब इसका एरिया कितना का हंड्रेड इंटू टेन हो जाएगा तो इसमें से टोटल कितना नंबर ऑफ पीस निकलेगा इसमें जो फुल सीट का एरिया था उससे जो छोटा छोटा पीस निकलेगा उसका एरिया को डिवाइड कर देना है तो जब आप डिवाइड करते हो तो हंड्रेड टू हंड्रेड कट जाएगा इसमें आपका वन ज़ीरो कट जाएगा मतलब इसमें से टोटल आपका टेन पीस ऑफ रेक्टेंगुलर पीसेस निकलेगा जिसका डायमेंशन होगा टेन मिलीमीटर mm इंटू हंड्रेड मिलीमीटर mm. तो आपको कैसे करना है जब भी आपको बोलेगा कितना नंबर ऑफ पीस निकलेगा तो जो आपका ओरिजिनल सीट है उसका एरिया आपको निकाल लेना है और जो आपका छोटा छोटा पीस में आपको निकालना है उसका भी एरिया निकालना है और जो आपका बड़ा सीट है उसका एरिया का साथ छोटा सीट का जो आपका छोटा छोटा पीस निकलेगा उसका एरिया को डिवाइड कर देना है तो टोटल नंबर ऑफ़ पीस आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा टेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में आप लोगों को पूछा गया था इन मेट्रिक एक्सटर्नल थ्रेड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टैब ड्रिल साइज इज तो मेट्रिक एक्सटर्नल थ्रेड में टैब ड्रिल साइज टी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तो आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है मेजर डायमीटर माइनस टू इंटू डेप्थ लेकिन ऑप्शन में आप देखिए डेप्थ नहीं दिया है और एक आपका फॉर्मूला होता है मेजर डायमीटर माइनस थ्रेड पिच तो आप डायरेक्टली थ्रेड पिच को अगर मेजर डायमीटर से माइनस कर देते तो वो भी आपका टेबडील साइज निकाल के आ जाता सिक्सटी नंबर क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था लिस्ट काउंट ऑफ ए भानियर कैलिपर इस भानियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है वन मीनस के डिविजन वन एम एस डी माइनस वन वी एस डी देखिए आपको ऑप्शन में ऐसा क्या एक भी ऑप्शन दिया नहीं है तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को कहूँगा एक गलत आंसर दिया है तो ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्सटी वन नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था हुई ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर परमानेंट फास्टिंग स्थाई बंधन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है जैसे आपका होता है परमानेंट फास्टनर सेमी परमानेंट फास्टनर और आपका होता है टेम्पोरिरी फास्टनर टेम्पोर फास्टनर में की आता है इसका बाद आपका और भी आता है जैसे स्क्रू आता है नाट बोल्ट होता है और सेमी परमानेंट में होता है वेल्डिंग सॉरी सॉरी सेमी परमानेंट में होता है ब्रेजिंग सोल्डरिंग और जो आपका परमानेंट होता है उसमें रिवेटिंग आता है ओके और वेल्डिंग आता है सो तो ये सब आपका होता है परमानेंट फास्टिंग तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रिवेट इज ए परमानेंट फास्टर फास्टनर सिक्सटी टू नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम एलुमिनियम का घनत्व कितना है तो जनरली आप लोग जाते हैं टू पॉइंट सेवन तो 2.7 सेवन देखकर अगर आपका आंसर ए सी हो जाएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 2.7 का यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेकिन देखिए 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एक भी ऑप्शन में दिया नहीं है तो इसको जब आप के जी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए सत्ताईस सौ के जी पर मीटर क्यूब तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर सत्ताईस सौ के जी पर मीटर क्यूब हो जाएगा ऑप्शन में अगर टू पॉइंट सेवन सें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहता तब भी राइट आंसर हो जाता ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री में आपको पूछा गया था व्हिच टाइप ऑफ टूल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन अब परिषकरण कार्य के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है तो फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए जनरली जो टूल हम लोग यूज़ करते हैं तो राफ टूल जो होता है उससे तो हम लोग फिनिश नहीं करते तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा और नार्लिंग टूल तो आपका होता है एक फॉर्मिंग टूल होता है ठीक है जो आप फॉर्म करते हैं पार्टिंग टूल से तो आप, आप किसी वर्क पीस को आप पार्ट करते दो भागों में डिवाइड करते तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर राइट आंसर डी होना चाहिए फेसिंग टूल मेरा हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हमें गलत लग रहा है तो इस हिसाब से अगर देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर डी होना कंपलसरी है सिक्सटी फोर नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है ए माइक्रोमीटर हैज़ ए पॉजिटिव एरर ऑफ जीरो पॉइंट जीरो टू मिलीमीटर इफ़ द मेजर डिजिंग रीडिंग इज ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर वन मिलीमीटर व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग एक माइक्रोमीटर mm mm. में जीरो पॉइंट जीरो टू मिलीमीटर mm की धनात्मक त्रुटि है यदि मापा गया पठंक ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर वन मिलीमीटर है तो सही रीडिंग क्या हो जाएगा देखो पॉजिटिव रीडिंग मतलब क्या है पॉजिटिव रीडिंग मतलब जो आपका बैरल का जीरो डिवीजन है बैरल का बैरल का जीरो डिवीजन का था, साथ थिम्बेल का जीरो डिवीजन मैच नहीं हो रहा है इसमें क्या हो रहा है इसमें आ, ए एक्चुअली जीरो इधर होना चाहिए था लेकिन इसमें क्या हो है जीरो एक दो लाइन पार करके हो रहा है मतलब ऑलरेडी जीरो क्या हो रहा है एडवांस हो रहा है आगे बढ़ रहा है और कितना आगे बढ़ रहा है उसमें दो डिवीजन मतलब इधर आपका कितना रहेगा ये बैरल का जो बेस लाइन है उसका साथ आ, थिम्बेल का द, सेकेंड जो आपका ग्रेजुएशन है वो मैच हो रहा है ठीक है मतलब ऑलरेडी वो रीडिंग आगे बढ़ा हुआ है तो आप जब इतना रीडिंग को मेजर करते हैं तो तब ओरिजिनल रीडिंग क्या हो जाएगा तो आपको डायरेक्टली माइनस कर देना है जब पॉजिटिव रीडिंग बोलेगा तो ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर वन से जब आप जीरो पॉइंट जीरो टू को माइनस करते हो तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव पॉइंट थ्री नाइन ठीक है इतना आपको समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव देखो इस क्वेश्चन को अच्छा से समझना है इस क्वेश्चन को जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है नेम द मोशन एरर हुई आफ्टर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द थिम्बेल ऑफ स्क्रू गेज मतलब स्क्रू गेज मतलब माइक्रोमीटर का बात कर रहे हैं द टिप ऑफ द स्क्रू डज नॉट मूव इमीडिएटली इन द अपोजिट डायरेक्शन बट रिमेन स्टेशनरी फॉर ए पोर्सन ऑफ रोटेशन तो इसमें आपको क्या बताया जा रहा है देखो इसमें आपको बताया जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ एक नॉर्मल एग्जाम्पल अभी जितना भी आप जैसे आपका फोर व्हीलर होता है या ट्रक या बस या जो भी आपका फोर व्हीलर होता है तो उसमें पावर स्टीयरिंग आ गया है पावर स्टीयरिंग में क्या होता है पावर स्टीयरिंग में जितना आप लोग घुमाते हैं आपका व्हील आपका चक्का उतना ही घूमता है आप अगर इतना घुमाते तो चक्का आपका इतना ही घूमेगा अगर इधर घुमाते उतना ही घूमेगा मतलब इसमें कोई भी फॉल्स नहीं होता है हम लोग कहते हैं ना जो भी स्टूडेंट है आप लोग अगर फोर व्हीलर कभी भी आप ड्राइव किए तो आप लोग जानते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि स्टीयरिंग में फॉल्स रहना तो पावर स्टीयरिंग में फॉल्स बिल्कुल भी नहीं होता लेकिन पहले का जो स्टीयरिंग आता था तो उसमें जो अगर बस का स्टीयरिंग देखे या ट्रक का या किसी भी फोर व्हीलर का स्टीयरिंग देखे तो उसमें क्या होता है उसमें थोड़ा सा फॉल्स रहता था तो आप आपका इधर हुईल है तो जब भी आप सोचिए आप ऐसे चला रहे थे आप इधर घुमा रहे थे तो आप इस डायरेक्शन में जब घूम रहे थे ठीक है लेकिन जब आपको तुरंत इस डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा उसको अपोजिट डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा तो फिर आपको क्या करना इस अपोज़िट डायरेक्शन में आपको घुमाना पड़ता है लेकिन इसमें कुछ फॉल्स रहता है मतलब एकदम ढीला टाइप होता है ढीला टाइप में क्या होता है जब आप ढीला टाइप आप घुमाते हैं तो उसके लिए आपका जो व्हील है जो चक्का आपका घूमता नहीं है तो जो थोड़ा सा फॉल्स पोर्सन है ना वो घूमने के बाद आपका टाइट पोर्सन होता है फिर जब आप पकड़ के अच्छा से पकड़ के घुमाते तो आपका तब व्हील आपका घूमता है ठीक है तो ये जो बीच में आपका रहता है ये बीच में क्या हो रहा है ये बीच में आपका फॉल्स रहता है हम लोग बोलते स्टीयरिंग में फॉल्स है वो फॉल्स रहता है तो फॉल्स को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले कवर करना है फॉल्स जब हटेगा उसके बाद जब स्टीयरिंग को घुमाते तब व्हील घूमता है ठीक है तो क्वेश्चन में आपको यही पूछा है कि जब हम लोग किसी भी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं नॉर्मली सोचिए किसी भी गाड़ी को जब ड्राइव कर रहे ऐसे तो आपका व्हील इस तरफ है ठीक है तो जब आपका व्हील को इस तरफ लाना पड़ेगा लेफ़्ट साइड का तरफ़ लाना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे फिर आपका व्हील को आप इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो लेकिन उसमें क्या होगा उसमें घुमाने से तुरंत आपका व्हील घूमता नहीं है क्योंकि व्हील में थोड़ा सा फॉल्स रहता है तो फॉल्स जब आपका कवर हो जाएगा फिर जब आप थोड़ा सा अच्छा से प्रेशर दे आप घुमाते हैं तो आपका क्या होगा तब व्हील घूमेगा तो बीच में आपका क्या होता है कुछ टाइम के लिए व्हील घुमाने पर भी आपका व्हील सॉरी आपका स्टीयरिंग घुमाने पर भी आपका व्हील नहीं घूमता क्योंकि आपका स्टीयरिंग में फॉल्स रह जाता है इसको हम लोग फॉल्स का नाम में जाते हैं लेकिन इसको एक्चुअली कहते हैं बैकलेस बैकलेस कहते हैं ठीक है तो अब क्वेश्चन में पढ़िए क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में आप बताया जा रहा है आपको कि जब आप स्क्रू गेज मतलब माइक्रोमीटर में जो आपका माइक्रोमीटर में ये आपका थिम्बेल है तो थिम्बेल को सोचिए आप इधर घुमा रहे हैं इधर घुमाने के बाद क्या हो गया आपको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा तो जब आप अपोजिट डायरेक्शन में तुरंत घुमाते हैं तो थिम्बेल तुरंत नहीं घूमता तो कुछ देर बाद कुछ टाइम वो रुक जाता है उसका बाद क्या होता है वो फिर उसका रीडिंग आगे बढ़ता है मतलब उसका बीच में क्या रहता है उसके बीच में फॉल्स कुछ रह जाता है उसको हम लोग एक्चुअली कहते हैं बैकलेस एरर ठीक है तो मेरा बात को वही सब स्टूडेंट अच्छा से समझ सकेगा जो स्टूडेंट कभी आप लोग फोर व्हीलर को कभी भी आप चलाए हैं तो तो चलाए तो आपको पता चलेगा स्टीयरिंग में फॉल्स क्या होता है जो फॉल्स होता है उसको हम लोग कहते हैं बैकलेस अभी का पावर स्टीयरिंग में फॉल्स बिल्कुल भी नहीं होता जितना आप घुमाते पावर स्टीयरिंग उतना ही आपका व्हील घूमेगा लेकिन पहले का जितना भी गाड़ी होता था उसमें फॉल्स रह जाता था तो फॉल्स को आपका व्हील अगर इस तरह घूम रहा है तो इधर आपको जब राइट सॉरी लेफ्ट साइड में जब आपका व्हील को घुमाना पड़ेगा तो आप क्या करते घुमाते है? हैं लेकिन तब आपका व्हील तुरंत घूमता नहीं है और थोड़ा सा घुमाने के बाद आपका व्हील घूमता मतलब बीच में जो कुछ टाइम तक वो रुक जाता है आपका फॉल्स का वजह से होता है या मतलब ये बैकलेस एरर का वजह से होता है तो क्वेश्चन में आप पढ़िए आपको यही बोला जा रहा है नेम द मोशन एरर हुई आफ्टर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मतलब वो कौन सा मोशन एरर है जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को जब हम लोग रिवर्स करते हैं, मतलब उल्टा करते हैं। जिस डायरेक्शन में घूमते हैं उसका उल्टा जब भी करते हैं और फिर थिम्बेल ऑफ स्क्रू गेज मतलब किसी माइक्रोमीटर का थिम्बेल को बात बात करें थिम्बेल का अगर इधर घुमा रहा है फिर जब उसका डायरेक्शन और प्रोसेजर को चेंज करके जब उल्टा घुमाते हैं तो उसमें क्या होता है देखिए द टिप ऑफ द स्क्रू ड नॉट मूव इमीडिएटली मतलब वो आपका थिमेल तुरंत घूमता नहीं है कुछ टाइम के लिए क्या होता है रुक जाता है मतलब उसमें फॉल्स रहता है उसका बाद क्या होता है वो आपका डायरेक्शन चेंज करता है आपका स्टीयरिंग के लिए भी सेम टू सेम वही होता है ठीक है सॉरी <coughs> तो इसको कहते हैं बैकलेस एरर तो देखो क्वेश्चन को समझना समझाना काफ़ी मतलब डिफिकल्ट होता है अगर हम उसका एक अच्छा एग्जाम्पल दे पाते तो समझाना बहुत ही इजी हो जाता है तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाया हूँ सभी स्टूडेंट को समझ में शायद आ जाना चाहिए ठीक है देखिए इसमें आपको सिक्सटी सिक्स नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है व्हाट इज़ द टेपर ऑन द सेफ डायमीटर फॉर द एबव स्केच इसमें जितना भी आपको दिया है आपको रेशियो में दिया है तो रेशियो मतलब क्या है टेपर रेशियो को हम लोग क्वानिशिटी कहते हो तो क्वानिशिटी का फॉर्मूला था कैपिटल डी मतलब बिग डायमीटर माइनस स्मॉल डायमीटर अपॉन अपॉन लेंथ ऑफ टेपर तो बिग डायमीटर आपका हो जाएगा थर्टी सिक्स स्मॉल डायमीटर हो जाएगा आपका थर्ट और लेंथ ऑफ आप टेपर आपका सिक्सटी हो जाएगा तो इसको जब आप कैलकुलेट करते तो सिक्स बाई सिक्सटी आपका हो जाएगा वन बाई टेन तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा तो आपका टेपर रेशियो इसमें आ जाएगा वन बाई टेन तो टेपर रेशियो को क्वानिसिटी कहते हो उसका फॉर्मूला था बिग डायमीटर माइनस स्मॉल डायमीटर अपॉन लेंथ ऑफ टेपर ओके देखिए सिक्सटी सेवन नंबर क्वेश्चन आपको अच्छा से समझना है क्योंकि आ, इसमें आपको दिमाग लगाना है देखिए द टर्निंग डायमीटर इज हाफ वाइल ट्रिवेलिंग द आर पी एम व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन द कटिंग वेलोसिटी इन टर्निंग तो इसमें टर्निंग का बात कर रहे हैं इसमें कटिंग वेलोसिटी मतलब कटिंग स्पीड में क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम लोग टर्निंग डायमीटर को हाफ कर देते हैं और उसका आर पी एम को तीन गुना कर देते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं हम लोग का जो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है टर्निंग के लिए पाई डी एन अपन थाउजेंड होता है ठीक है तो इसमें देखो इसमें हम लोग डी का वैल्यू मान लेते हैं वन एन का भी वैल्यू हम लोग मान लेते हैं वन सुन लीजिए अच्छा से डी का वैल्यू मान लीजिए वन एन का वैल्यू मान लीजिए वन ठीक है तो इधर आपका क्या आ जाएगा इधर आपका आ जाएगा पाई अपन थाउजेंड आ गया ये आपका पहला कंडीशन में हो गया लेकिन ये आपका जेनरली होता है ठीक है लेकिन इसमें क्या आपको कंडीशन दिया है आपका टर्निंग डायमीटर हाफ मतलब डायमीटर आपका हाफ हो गया तो आपका जो फॉर्मूला है पाई डी एन अपन थाउजेंड तो इसमें आपका क्या हो रहा है इसमें देखिए इसमें आपका हो रहा है पाई आपका पाई रहेगा डायमीटर आपका वन था वो आपका क्या हो गया हाफ हो गया ठीक है और आपका जो आर था एन था वो आपका ट्रिवेलिंग मतलब आपका तीन गुना हो गया तो आपका थ्री हो गया ये आपका इधर आर पी था अभी आपका क्या होगा थ्री हो गया नीचे आपका थाउजेंड हो जाएगा ये जो आपका दो है आपका कहाँ पे आ जाएगा नीचे आ जाएगा तो पाई सॉरी थ्री पाई डिवाइड बाय टू थाउजेंड आपका आ गया है इतना आ गया तो आप देखिए इसमें आपको देखना है आपका कटिंग स्पीड में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मतलब क्या इफेक्ट पड़ रहा है कटिंग स्पीड बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो पहले आपका Uh, कितना कटिंग स्पीड था पाई अपन थाउजेंड था अभी कितना हो गया थ्री पाई अपन टू थाउजेंड तो इसमें देखिए दोनों का जब आप इक्वल करते हैं तो इधर आप लिख सकते हैं पाई अपन थाउजेंड पहला कंडीशन में पाई पाई आप लोग हटा दीजिए ठीक है पाई पाई जब आप हटा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा आप देखिए वन बाई थाउजेंड और इधर आपका आ जाएगा थ्री बाई टू थाउजेंड आ गया है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा इसका वैल्यू आ, आ गया आपका जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन ओके और इधर आपको करना है थ्री बाई टू थाउजेंड मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन फाइव मतलब देखिए अभी क्या हुआ ये जो आपका कटिंग स्पीड है ओनली जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन है लेकिन जब आप डायमीटर को आधा किए हैं जब आप डायमीटर को वेट कीजिए एक बार जब आप डायमीटर को आधा किया है और आर को बढ़ा थ्री मतलब थ्री टाइम्स कर दिए तीन गुना कर दिए हैं तो इसमें क्या हो रहा तो थ्री मल्टीपल करने के बाद देखिए इधर जो आपका कटिंग स्पीड हो रहा है इसमें कटिंग स्पीड बढ़ रहा है मतलब इस कंडीशन में क्या होगा आपका कटिंग स्पीड बढ़ जाएगा तो जनरली जो आपका होता है वैसा होने का जगह अगर आप डायमीटर को हाफ करते हैं और आरपीएम को थ्री टाइम्स कर देते हैं तो इसमें कटिंग वेलोसिटी मतलब कटिंग स्पीड आपका क्या होगा इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि इसमें कटिंग स्पीड का वैल्यू आ गया जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन और इसमें जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन फाइव आ गया मतलब कटिंग स्पीड आपका बढ़ गया है ठीक है तो ये तो मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दे समझाया हूँ कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है आपको कभी भी ऐसा दिया जा सकता है देखिए मैं आपको बताता हूँ ऐसा दिया जा सकता है कि हम लोग टर्निंग डायमीटर को तीन गुना कर दें मतलब थ्री टाइम्स कर दिया और आर को आधा कर दिया तो तब कटिंग वेलोसिटी में क्या होगा ये भी आप कर सकते हैं या अगर आपको बोल दिया गया है कि कटिंग कटिंग वेलोसिटी आपका दो गुना कर दिया है डायमीटर आपका थ्री टाइम्स कर दिया है तो आपका आर में क्या होगा तो ये आपका इक्वेशन से कैलकुलेट करना पड़ेगा तो आपका जो मेन इक्वेशन है सबसे पहले लिख लेना है उसका बाद उसमें वैल्यू पुट करके लिख लेना है उसका बाद जो आपका कंडीशन में दिया है क्वेश्चन में दिया है वो आपको एक एक करके पुट करना है देखना है पहले का जो आपका आर था और अभी का आर में क्या अंतर हो रहा है बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो ये ऐसे आपको सॉल्व करना है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट द मेनिंग टाइम इलेप्सड बिटवीन टू सक्सेसिव रिसनिंग ऑफ ए टूल इज देखिए इसमें आपको बताया जा रहा है कि तो, दो बार किसी टूल को रिसार्पेनिंग करने का बीच में जो मैसनिंग टाइम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सोचो किसी टूल को हम लोग सबसे पहले शार्पनिंग कर लिए कर लिए नुकीला कर लिए हैं उसका बाद दो दिन बाद या सोचो दो घंटा बाद हम लोग फिर नुकीला कर रहे हैं मतलब बीच का जो मैसिनंग टाइम होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग टूल लाइफ कहते हैं ठीक है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा तो दो दो सक्सेसिव टूल का रिसार्पनिंग करने का बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग कहते हैं उस टाइम को हम लोग कहते हैं टूल लाइफ इसका बाद देखिए कॉन्वर्ट 0.2 मिलीमीटर इनटू माइक्रोन तो मिलीमीटर mm से माइक्रोन करने के लिए आपको थाउजेंड से मल्टीपल कर देना है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 200 माइक्रोन ओके okay? या माइक्रोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 ब्रिनेल हार्डनेस नंबर बी एच एन इज द रेशियो ऑफ तो ये किसका अनुपात होता है लोड ऑन बॉल अपन एरिया ऑफ स्पेरिकल इंडेंटेशन तो स्पेरिकल इधर दिया नहीं है तो ये आपका ऑप्शन नंबर सीई राइट आंसर हो जाएगा तो बी ब्रिनेल हार्डनेस नंबर निकालने के लिए आपको लोड ऑन बॉल अपन एरिया ऑफ स्पेरिकल इंडेंटेशन आपको करना है ओके okay? और इन दिस टेस्ट हार्ड एंड स्टील बॉल प्रेसेस द फ्लैट सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन अंडर कॉन्स्टेंट लोड ऑफ पी मतलब इसमें हार्ड एंड स्टील बॉल हम लोग यूज करते हैं ओके सेवेंटी नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेवेंटी क्वेश्चन में आपको पूछा गया था स्लिप गेजेस इन प्रिसीजन मेजरमेंट आर ज्वाइन बाय तो परिशुद्ध माप में स्लिप गेज को कैसे जोड़ा जाता है तो जब आपको किसी भी मेजरमेंट लेना होता है तो इधर आपका साइन में रहता है तो स्लिप गेज आपका हाइट को इंडिकेट करता है तो तब स्लिप गेज को एक स्लिप गेज का साथ दूसरा स्लिप गेज को जोड़ने के लिए जो मेथड होता है इसको कहते हैं रिंगिंग प्रोसेस ठीक है हम लोग क्या करते हैं स्लिप गेज का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा होता है इसीलिए उन दो, दोनों स्लिप गेज को ले लेके ले अगर जस्ट रगड़ भी देते हैं रबिंग कर देते हैं तो एक स्लिप गेज दूसरा स्लिप गेज के साथ चिपक जाता है मैग्नेट की तरफ चिपक जाता है क्योंकि दोनों स्लिप गेज का बीच में एयर बिल्कुल भी फंसता नहीं है सरफेस फिनिश इतना बढ़िया होता है इसलिए तो इधर जितना भी स्लिप गेजेस होता है हम लोग रिंगिंग प्रोसेस में एक स्लिप गेज के साथ दूसरा स्लिप गेज को जोड़ते हैं और एक क्यों होता है मैग्नेट का तरह क्यों अट्रैक्ट होता है क्योंकि दो स्लिप गेज के बीच में बिल्कुल भी एयर फंसता नहीं है देखिए सेवेंटी टू नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन सी एन सी मशीनिंग सेंटर टर्मिनोलॉजी सी डिनट तो सी एन सी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल तो सी दो सी इसमें होता है एक सी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज और लास्ट सी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सेवेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था वेन सर्कल इज डिवाइडेड इन इन टू थ्री इक्वल सेक्टर हाउ मच इज इंक्लूडेड एंगल ऑफ ईच सेक्टर जब किसी सर्किल को तीन भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं तीन भागों में जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसमें ईच सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा कितना रेडियन हो जाएगा तो आप जानते हैं इधर आपका क्या फॉर्मूला था पाई इन टू थीटा अपन थ्री सिक्सटी होता है ठीक है तो इधर आपका तीन भागों में डिवाइड कर दिया मतलब आपका क्या हो जाएगा इधर आपका डायरेक्टली आप इधर लिख सकते हैं एक एक भा, भाग का एंगल कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी हो जाएगा तो इधर आप जब काटते हैं तो आपका क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा तो पाई बटा थ्री आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का इतना आपको समझ में आ गया क्योंकि आप तीन भागों में डिवाइड किया टोटल आपका सर्कल रहता है तीन एक एक भाग का एंगल हो गया एक तो थीटा का जाकर एक लिख लेना है तो आपका आ जाएगा ईच सेक्टर का इंक्लूडेड एंगल तो पाई बाय थ्री इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर इसमें आपको पूछा गया था द पर्पज ऑफ फीडबैक डिवाइस इन ए सी एन सी मैशी टूल इज टू फाइंड सी एन सी मैशी टूल में पुनर्वरण युक्ति का उद्देश्य डैश को ढूंढने के लिए होता है तो सी एन सी मशीन में जो फीडबैक डिवाइस होता है इसका क्या कार्य होता है किसको फाइंड आउट करता है स्पीड और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करता है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सेवेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन में आपको सेफ्टी साइन से क्वेश्चन पूछा गया था और ये आपका होता है जेनरल वार्निंग रिस्क ऑफ अ डेंजर तो जेनरल वार्निंग रिस्क ऑफ डेंजर जहाँ पे किसी भी खतरा होता है तो आपको जेनरली ए साइन दिया जाता है इसका बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफ टी वन इज द डेप्थ ऑफ कट एंड टी टू इज थिकनेस देन चिप थिकनेस रेशियो आर इजिकल टू टी वन अपन टी टू इज यूजली देखिए इसमें चिप थिकनेस रेशियो बोला है आर इजिकल टू क्या बोला है टी वन अपन टी टू तो टी वन मतलब क्या है आपका ऑफ काट है और टी टू मतलब चिप थिकनेस है तो आप लोग जानते हैं आपका किसी भी एक सर्कुलर वर्कपीस है या आपका काटिंग टूल है जितना आप ऑफ काट देते सोचिए जीरो पॉइंट फाइव मिलीमीटर mm डेपटॉप काट देते हैं और आपका डायमीटर टोटल कितना रिड्यूस होता है आपका वन मिलीमीटर मतलब जो पॉइंट फाइव इंटू टू मतलब डेप्थ ऑफ कार्ड इंटू टू टोटल वन मिलीमीटर का डायमीटर रिड्यूस होता है वॉक पीस से ठीक है तो इसमें जो आपका चिप थिकनेस होगा चिप थिकनेस क्या होगा इसमें बढ़ जाएगा ठीक है तो इन दोनों का जो रेशियो होगा टी मतलब डेप्थ ऑफ कार्ट डेप्थ ऑफ कार्ट अगर आप वन देते हैं तो चिप थिकनेस आपका क्या हो जाएगा चिप थिकनेस तो आपका बढ़ जाएगा क्योंकि डायमीटर तो आपका एक बार में वन मिलीमीटर कम हो रहा है सॉरी इसमें आप वन अगर डेप्थ डेप्टऑप काट देते हैं तो आपका टोटल डायमीटर कितना कम होगा टू मिलीमीटर कम होगा मतलब चिप थिकनेस भी आपका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा तो आप देखिए इसका रेशियो कितना आ गया जीरो पॉइंट फाइव मिलीमीटर आ गया तो आर का वैल्यू कितना आ रहा है आप देखिए आर का वैल्यू लेस देन वन आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि डेप्थ ऑफ कार्ट आप जितना भी देते हैं टी वन तो आपका डेप्थ ऑफ कार्ट है अगर आपका जीरो पॉइंट फाइव आप देते हैं तो डायमीटर आपका क्या होगा आपका वन मिलीमीटर mm रिड्यूस होगा तो चिप थिकनेस क्या होगा उतना ज्यादा होगा डेप्थ ऑफ कार्ड आप जितना दे रहे हैं चिप थिकनेस उसका ज़्यादा होगी क्योंकि डायमीटर तो आपका वक्त पीस से एक मिलीमीटर mm रिड्यूस हो रहा है उसका डबल रिड्यूस हो रहा है तो इसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा डबल आपका चिप चिप थिकनेस हो जाएगा तो दोनों को जब आप डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू आप देखिएगा वन से ऑलवेज कम आता है इसीलिए जो आपका चिप थिकनेस रेशियो होगा चिप थिकनेस रेशियो ऑलवेज एक से कम होगा तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सेवेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन में आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस साइंस चैप्टर से पूछा गया था टेन एक्स माइनस रूट थ्री इजिकल टू जीरो तो आपको करना है टेन एक्स इजिकल टू जीरो का आपको माइनस रूट थ्री को जीरो का इधर लेने लेकर आना तो रूट थ्री तो टेन सिक्सटी डिग्री इजिकल टू आपका करना है सॉरी सॉरी टेन एक्स इजिकल टू आपका करना है इधर आपको टेन सिक्सटी डिग्री क्यों हो जाएगा क्योंकि टेन सिक्सटी डिग्री का वैल्यू होता है ठीक है तो टेन टन कट जाएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा सिक्सटी डिग्री आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा तो इसमें आपको टेन एक्स इजिकल टू आपको रूट थ्री कर देना रूट थ्री वैल्यू होता है टेन सिक्सटी का तो टेन टन कट जाएगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा एक्स इजिकल टू सिक्सटी डिग्री ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट इसमें देखिए सरफेस फिनिश चैप्टर से क्वेश्चन दिया है तो ये जो सिंबल है एक आ, क्या इंडिकेट कर रहा है इसमें आपको बोल रहा है मेटल रिमूवल इज प्रोहिबिटेड मतलब मेटल हटाना प्रतिबंधित है मतलब इसमें से आप मेटल नहीं हटा सकते जब ऐसा सिंबल किसी भी जगह में दिया रहेगा तो ऐसा कुछ सिंबल होता है टोटल चार सिंबल होता है इस क्या क्या इंडिकेट करता है ये एक बार देख लीजिए आप लोग सरफेस सिंबल इंडिकेशन इसमें जो बेसिक सिंबल होता है इसका दो लेग होता है एक छोटा लेग एक लंबा लेग और दोनों लेग का बीच का एंगल होता है अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटी डिग्री इसमें आपको यही सेम टू सेम वही बताया है द बेसिक सिंबल कंसिस्ट ऑफ टू लेग्स ऑफ अनइक्वल लेंथ इसमें जो बेसिक सिंबल होता है इसका दो असमान लेग होता है जो इंक्लाइंड अवस्था में रहता है अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी डिग्री में इसमें देखिए सेकेंड जो आप सिम्बॉल देख रहे हैं कहाँ पे यूज होता है इफ द मेटेर रिमूवल बाय मैसनिंग इज रिक्वायर्ड जहाँ पे मैसिनंग करके मेटेरियल रिमूव करना जरूरी होता है वो जगह में ऐसा सिम्बल यूज होता है ठीक है तो आपको क्वेश्चन में ऐसा अगर सिम्बॉल दिया जाता है, मतलब इस जगह में मैसिनिंग करके मेटेरियल रिमूवल करना जरूरी है अब देखिए क्वेश्चन में आपको ऐसा सिंबल दिया गया था मतलब क्या है इफ़ द मेटेरियल रिमूवल इज़ नॉट परमिटेड मतलब जहां पे मेटेरियल रिमूवल परमिटेड नहीं है मतलब जहाँ पे मेटेरियल रिमूवल आपको करना बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पे मेटेरियल रिमूवल करना मेटेरियल निकालना एकदम माना है तो वो जगह में ऐसा सिंबल यूज़ होता है और एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में स्पेशल कुछ पर्पज़ के लिए देखिए सेम आपका बेसिक सिंबल का जैसा होता है लेकिन जो आपका लंबा वाला लेग होता है उसका साथ और एक लेग इसमें ऐड हो जाता ठीक है तो देखिए इसमें आपको बोला है इफ़ सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कुछ स्पेशल कैरेक्टर स्टिक के लिए जो आपका लार्जर लेगा लंबा लेगा उसका साथ और एक लाइन ऐड हो जाता है ठीक है तो ये चार आपका सरफेस सिंबल इंडिकेशन होता है आपको याद रखना है मेनली आपको दो कहाँ पे मटेरियल uh, रिमूवल करना uh, अनुमति दिया है तो वो जगह में ऐसा सिंबल होगा और जहाँ पे बिल्कुल भी अनुमति नहीं दिया है तो वो जगह में ऐसा सिंबल हम लोग को यूज करना है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी इसी में देखिए A CNC lathe is programmed and to set to turn an internal diameter of 50 mm. But on trial, the diameter is found to be 50.01 mm. Which of the following will ensure? करेक्ट डायमीटर ड्यूरिंग ऑपरेशन तो इसमें देखो इसमें सी एन सी मशीनिंग में आपको प्रोग्रामड आप करके इंटरनल डायमीटर आपको 50 मिलीमीटर mm टर्न करना है मतलब जो आपका फाइनल जॉब होगा उसमें इंटरनल डायमीटर 50 आपको टर्न करना है तो आपको आप प्रोग्राम सेट कर लिए है लेकिन जब आप ट्रायल कर रहे हैं तो उसमें आपका डायमीटर कितना आ रहा है जहाँ फिफ्टी आना चाहिए तो उधर आपका फिफ्टी वन आ रहा है तो आपको ये डायमीटर को ठीक करने के लिए करेक्ट डायमीटर को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो आपको इंक्रीज़ द टूल ऑफसेट बाय जीरो पॉइंट जीरो फाइव मिलीमीटर मतलब टूल ऑफसेट जीरो पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर आपको बढ़ाना पड़ेगा देखिए आपका सर्कुलर वर्क पीस है एक इंटरनल डायमीटर आपको फिफ्टी करना पड़ेगा इंटरनल डायमीटर आपको फिफ्टी करना पड़ेगा ठीक है लेकिन इसमें आपका कितना आ रहा है ट्रायल जब आप कर रहे हैं तो फिफ्टी पॉइंट वन आर है मतलब क्या है इसमें आपका पॉइंट वन ज़्यादा आर है तो पॉइंट वन आपको क्या करना पड़ेगा आपको इधर करेक्ट करना पड़ेगा इसीलिए आपको क्या करना है? टूल को और पॉइंट वन आगे बढ़ाना पड़ेगा तो पॉइंट वन हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे हम लोग कितना आगे बढ़ाएंगे जितना हम लोगों का मतलब टोटल मटेरियल रिमूव करना है उसका आधा हम लोग ऑफ काट देंगे तो इसका कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव हो जाएगा तो हम लोग ऑफ काट कितना देंगे हम लोग डेपटॉप कार्ड जीरो पॉइंट जीरो फाइव मिलीमीटर देंगे और तब टोटल के डायमीटर से कितना करेगा उसका डबल मेटेरियल रिमूव करेगा तो जब भी डबल मेटेरियल रिमूव होगा तो उसका कितना हो जाएगा टोटल जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर मेटरियल रिमूव हो जाएगा तो जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर जब मेटर रिमूव हो जाएगा तो एक्जैक्ट जब आपका फिफ्टी मिलीमीटर mm में बन जाएगा इसीलिए आपको बोला इंक्रीज़ द टूल ऑफसेट बाय जीरो पॉइंट जीरो फाइव मिलीमीटर मतलब टूल को ऑफसेट कितना पड़ेगा थोड़ा सा आगे कितना बढ़ाना पड़ेगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव मिलीमीटर आपको बढ़ाना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा तो उसमें क्या होगा आपका डेप्थ ऑफ कार्ड आप जीरो पॉइंट जीरो फाइव दे रहे हैं तो टोटल आपका जो मेटेरियल रिमूव होगा जब आपका सर्कुलर वॉक पीस है उसका डबल हो जाएगा मतलब जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर मीटर रिमूव हो जाएगा तो ये जो आपका डायमीटर बनेगा इंटरनल डायमीटर फिफ्टी तब एक्जैक्ट बन जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का और लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का एक कार्बोन स्टील पीस इज हीटेड जस्ट अबाउ सात सौ तीस डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन एट दैट टेम्परेचर फॉर ए फ्यू आवर एंड देन स्लोली कूल्ड व्हाट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज कैरिड आउट तो इसमें देखिए आपको बताया जा रहा है किसी कार्बोन स्टील पार्ट को सबसे पहले 730 डिग्री सेंटीग्रेड का ऊपर मतलब हम लोग हम लोग का जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उस सेवन ट्वेंटी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड उससे भी ऊपर सात सौ तीस डिग्री सेंटीग्रेड होता है हम लोग हीट करते उसी टेम्परेचर में हम लोग एक आ, कुछ घंटे तक रह, रहने देते उसके बाद धीरे धीरे उसको ठंडा करते धीरे धीरे हम लोग ठंडा करते सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी एनलिंग की ट्रीटमेंट प्रोसेस में इसमें हम लोग का जो कार्बन स्टील का प्रॉपर्टी आता है वो आपका मैसेनेबिलिटी प्रॉपर्टी बढ़ जाता है और इसमें आपका जो स्टील होता है स्टील आपका सॉफ्टन हो जाता है नर्म हो जाता है और इस नर्म हो जाता है इसीलिए मैसिनेबिलिटी प्रॉपर्टीज़ का बढ़ जाता है इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और इसी का साथ कंप्लीट होता है इसरो बी एस एस सी टनर क्वेश्चन पेपर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री जो बीस 20 अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कंडक्ट हुआ है इसका एनालिसिस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना क्योंकि मैं कोशिश किया था जितना हो सके मैक्सिमम आप लोग को समझाना आप लोग जानते हैं एक डिजिटल बोर्ड पर समझाना और एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर समझाना काफ़ी दिक्कत होता है समझ तो आप लोग समझ तो जाएंगे लेकिन समझाना बहुत दिक्कत होता है मेरे लिए तो मैं कोशिश किया आप लोग को पूरा समझाने का तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो वीडियो को किसी का किसी दोस्त का साथ के साथ शेयर कर देना आज लिए इतना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाटा बाय बाय